कि देखो संवाद करने का, बात कहने का मौका मिल रहा है। आप सबसे इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं कि मैं गुजराती भाषा में बात नहीं कर पाता। मैं गुजराती भाषा पढ़ता हूं, गुजराती भाषा में समझ पाता हूं, बोलने का अभ्यास नहीं है। उत्तर भारत का रहने वाला हूं, मेरी मातृभाषा हिंदी है, इसलिए मैं मुश्किल में गुजराती में बात नहीं कर पाता, बहुत तकलीफ होती है। हिंदी बोलना मेरे लिए थोड़ा ज्यादा आसान है, मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा, मेरी हिंदी आपको बराबर समझ में आएगी, बहुत आसान और सरल हिंदी बोलूंगा। की गुलामी के खिलाफ तो 1930 के साल में लाहौर नाम के शहर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। लाहौर उस समय भारत का हिस्सा था। तो सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। उस पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव में यह कहा गया था कि जब भारत आजाद हो जाएगा अंग्रेजों की गुलामी से, तो भारत देश में वो सारी समस्याएं नहीं होगी जो अंग्रेजों के कारण है, जैसे गरीबी नहीं होगी, भूखमरा नहीं होगा, बेकारी नहीं होगी, भारत देश में मारामारी नहीं होगी, सब चैन और शांति से रहेंगे, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। अंग्रेजों ने जो नियम कायदे कानून बनाए हैं भारत का शोषण करने के लिए, वो सब नियम कायदे कानून समाप्त हो जाएंगे। अंग्रेजों की बनाई गई पूरी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, अंग्रेजों के बनाए गए पूरे के पूरे हमारे देश के तंत्र बदल जाएंगे, कानून व्यवस्था बदलेगी, न्याय पद्धति बदलेगी, शिक्षा पद्धति बदलेगी। ऐसी बहुत सारी बातें 1930 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में कही गई थी। आप जानते हैं कि लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन से थोड़ा दिन पहले भगत सिंह ने जेल में रहते हुए अपने कुछ मित्रों के नाम एक संदेश भेजा था। उसकी फांसी से लगभग एक सप्ताह पूर्व, और भगत सिंह का जो संदेश उसके मित्रों के नाम गया उसमें भी उसने यही लिखा कि मैं मानता हूं कि देश की आजादी के लिए शहीद होने वाला हर क्रांतिकारी एक सपना लेके मर रहा है, और वो सपना ये है कि एक दिन भारत आजाद होगा अंग्रेजों की गुलामी से, और अंग्रेजों के कारण हमारे देश को जितनी दुख और यातनाएं मिली हैं, वो सारे दुख और यातनाओं से भारत को मुक्ति मिल जाएगी, आजादी आएगी। इसी तरह की बात 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने कही थी, जब वो आजाद हिंद फौज की भर्ती कर रहे थे और हिंदुस्तान के लोगों के लिए और हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले हिंदुस्तानियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम कर रहे थे, तब उन्होंने भी 1941 के अपने भाषण में, जो उन्होंने रंगून से दिया था, ये कहा कि भारत जब आजाद होगा तो भारत में अंग्रेजियत चला जाएगा, अंग्रेजियत चली जाएगी, और भारत में भारतीयता के आधार पर एक ऐसा तंत्र बनेगा जिसमें हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन बिताने का, हर व्यक्ति को अपने धर्म की आजादी रखने का, हर व्यक्ति को व्यवसाय की आजादी का, हर व्यक्ति को अपने आप को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, गरीबी भुखमरी बेकारी से सारा देश मुक्त हो जाएगा, ऐसी ही कल्पना सुभाष चंद्र बोस की भी थी। महात्मा गांधी ने भी यही कहा था। अब हमारे देश के सभी क्रांतिकारियों के मुंह से अगर आप देखें तो ऐसी ही बातें निकली कि आजादी मिलने के बाद का भारत जो होगा वो एक ऐसा भारत होगा जिसकी कल्पना उन सबके मन में लगभग एक जैसी थी, भले वो हिंसा के रास्ते से आजादी लाने की कोशिश कर रहे थे या अहिंसा के रास्ते से आजादी लाने की कोशिश कर रहे थे। आप जानते हैं हमारे देश में क्रांतिकारियों के दो समूह थे। क्रांतिकारियों का एक समूह था जो हिंसा को बहुत बड़ा हथियार मानता था, और क्रांतिकारियों का एक समूह था जो अहिंसा को बहुत बड़ा हथियार मानता था। लेकिन दोनों ही क्रांतिकारी, वो अहिंसा को मानने वाले हों या हिंसा को मानने वाले हों, सपना दोनों का एक ही था, आजादी के बाद का भारत कैसा होगा। अब आप देखें कि जिन क्रांतिकारियों ने भारत की आजादी के लिए बलिदान दिया उनमें से हम कुछ नाम जानते हैं, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, तात्या टोपे, लेकिन ये जो थोड़े से नाम हम जानते हैं ये इतने ही नहीं थे। भारत देश में जो दस्तावेज उपलब्ध हैं आजादी के समय के सारे दस्तावेज ये बताते हैं कि आजादी की लड़ाई में 1857 से लेकर 1947 के बीच में
640,000 क्रांतिकारियों ने शहादत की, 640,000 क्रांतिकारी हमारे देश के फांसी के फंदे पर झूले, अंग्रेजों की गोली खाकर मरे, अंग्रेजों की काले पानी की सजा के दौरान मरे या अंग्रेजों की विभिन्न यात्राओं के दौरान मरे। कोई एक दो क्रांतिकारी के बलिदान का इतिहास नहीं है भारत का। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो भारत जैसे हैं, जिनकी आजादी के इतिहास में लाखों क्रांतिकारियों का बलिदान हो। एक देश जो हमसे बहुत बाद में आजाद हुआ और लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका की आजादी का इतिहास अभी थोड़े दिन पहले मैं पढ़ रहा था। नेल्सन मंडेला वहां के बहुत बड़े इतिहास पुरुष है जो आज भी जीवित है। नेल्सन मंडेला से पहले 400 साल पहले दक्षिणी अफ्रीका की आजादी का संग्राम शुरू हुआ और 450 साल की आजादी के संग्राम में लगभग 2.5 से 3.25 लाख अफ्रीकी लोगों का बलिदान हुआ है। अब 450 साल की गुलामी में 2.5 से 3.25 लाख लोगों का बलिदान दक्षिणी अफ्रीका में हुआ और लगभग 250 साल की गुलामी में हिंदुस्तान में 640,000 क्रांतिकारियों का बलिदान हुआ। तो भारत जैसे देश दुनिया में कम मिलेंगे जहां पर इतने सारे क्रांतिकारियों ने एक साथ बलिदान किया हो। और जिन क्रांतिकारियों ने भारत के लिए बलिदान किया वो अलग अलग मान्यताओं के थे, अलग अलग संप्रदाय के थे। सभी के सभी क्रांतिकारी एक ही मान्यता के नहीं थे, एक ही संप्रदाय के भी नहीं थे। ये देखने की एक विशेष बात है कि अलग अलग संप्रदाय के होते हुए, अलग अलग मान्यताओं के होते हुए भी क्रांतिकारियों ने भारत की आजादी के लिए मन में वही जज्बा था जो दूसरे किसी के मन में होता है। और उन सबका एक ही सपना था कि ऐसा भारत होगा, महान भारत होगा, सोने की चिड़िया भारत होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन आज आजादी के 55 साल पूरे हुए हैं, 56वां साल शुरू हो चुका है। हम देखें तो भारत की तस्वीर क्या है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, जिसमें मैं मेरी तरफ से नहीं कुछ जोड़ना चाहता, भारत सरकार खुद कहती है कि आजादी के 55 साल के बाद हमने जो विकास किया है वो कहां तक पहुंचा है। हमारा विकास यहां तक पहुंचा है कि 105 करोड़ की हमारी कुल जनसंख्या है, लोकसंख्या है या हमारी कुल बस्ती है। और इस 105 करोड़ की बस्ती में लगभग 44 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको दो समय खाने के लिए रोटी नहीं मिल सकती। इन 44 करोड़ लोगों की गरीबी का अंदाजा अगर आप लगाना चाहें तो सरकार के आंकड़ों के अनुसार एक दिवस में जिनको खर्च करने के लिए 5 रुपया भी नहीं मिलता, ऐसे लोगों की संख्या भारत देश में लगभग 15 करोड़। एक दिवस में जिनको खर्च करने के लिए 1 रुपया भी नहीं मिलता उनकी संख्या लगभग 10 करोड़ है। और एक दिवस में जिनको खर्च करने के लिए 50 पैसा भी उपलब्ध नहीं है उनकी संख्या इस भारत में इस समय 5 करोड़। इतनी भयंकर गरीबी में हमारे देश के लोग रहते हैं। 44 करोड़ लोग तो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, अत्यंत गरीबी में हैं, और 44 करोड़ से थोड़ा ऊपर और 70 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जो कुछ समय के लिए ठीक ठाक भोजन कर पाते हैं, लेकिन उनके जीवन में निश्चितता कुछ भी नहीं है। आज भोजन किया कल मिलेगा कि नहीं, कल किया तो परसों मिलेगा कि नहीं, परसों किया तो 8 दिन बाद मिलेगा कि नहीं, 1 महीने लगातार भोजन मिल गया तो अगले महीने मिलेगा कि नहीं, उनके साथ जीवन में किसी तरह की तलवार लटकती रहती है। आजादी के बाद हमारे देश में बहुत प्रगति हुई है और उसके एक दूसरे मानक के रूप में मैं आपसे जो कहना चाहता हूं वो ये कि भारत देश में इस समय लगभग 20 करोड़ लोग हैं जिनको करने के लिए काम चाहिए लेकिन उनके दो हाथ बेकार, कुछ भी उनके पास रोजगारी नहीं। ये 20 करोड़ लोग जो हैं जिनको काम चाहिए हाथों में करने के लिए, उनकी उम्र 18 बरस से लेकर और 60 बरस के बीच की। आप जानते हैं कि 18 बरस का जवान लड़का या लड़की काम करने के लायक माना जाता है और 60 बरस में आदमी हिंदुस्तान में रिटायर माना जाता है सरकारी आंकड़ों के अनुसार। तो 18 बरस से 60 बरस के बीच में 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी काम नहीं है लेकिन उनको काम की बेहद दरकार है, बेहद जरूरत है। ये हमारी आजादी के बाद के विकास के पैमानों में एक तीसरी एक माहिती जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं वो ये कि आजादी के साल में 1947 में
जब हम दुनिया के तमाम दूसरे देशों के सामने कंधे से कंधा मिलाकर या आंख से आंख मिलाकर देखने की ताकत नहीं रखते थे तब, और आज जब 2002 में हम आ गए हैं, जब हमारे देश में लाखों लाखों गाड़ियां चलती हैं सड़क पर, हजारों फ्लाईओवर बन गए हैं, बहुत सारे फाइव स्टार होटल हैं, बहुत सारे हमारे देश में गगनचुंबी इमारतें हैं, ये सब विकास के जो पैमाने माने जाते हैं 2002 में आने के बाद, तब एक और माहिती आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि 1947 में हिंदुस्तान का जो खेती का कुल उत्पादन था वो मात्र 4.5 करोड़ टन हुआ करता था। आज भारत देश के किसानों की मेहनत का परिणाम है कि भारत में खेती का कुल उत्पादन 21 करोड़ टन हो चुका है। माने हिंदुस्तान के किसान ने उत्पादन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन फिर क्या मजबूरी है हमारे देश की कि 4.5 करोड़ टन जब खेती में उत्पादन होता था तब हमारे देश में भूखमरा था, और जब 21 करोड़ टन उत्पादन खेती में होता है तब भी हमारे देश में भूखमरा ही है। बहुत सारे लोगों के साथ जब मैं इस विषय पर चर्चा करता हूं तो वो मुझे एक तर्क देते हैं और वो कहते हैं कि राजीव भाई ये सारा हिंदुस्तान की बस्ती बढ़ाने के कारण है, जनसंख्या बढ़ने के कारण। भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसलिए जनसंख्या बढ़ने से हमारे देश की प्रगति रुक गई है, और जनसंख्या बढ़ने से ही हमारे देश में ये सारे के सारे दुष्परिणाम हैं जो आपको दिखाई देते हैं। जो लोग मेरे साथ चर्चा में जनसंख्या की बात सामने रखते हैं उनके साथ में जब चर्चा को आगे बढ़ाता हूं तो फिर वो थोड़ी देर के बाद निरुत्तर हो जाते हैं, और वो बात ऐसी है कि जब हम 1947 में आजाद हुए तो हमारी जनसंख्या 34 करोड़ थी। आज हिंदुस्तान की आजादी के 55 साल के बाद हमारी जनसंख्या 105 करोड़ हो चुकी है। तो 34 करोड़ की जनसंख्या जब 105 करोड़ हो जाती है तो आप मान लीजिए कि लगभग हमारी जनसंख्या 3 गुनी बढ़ चुकी है। जनसंख्या हमारी 3 गुनी बढ़ी है और खेती का उत्पादन पिछले 55 वर्षों में लगभग 5 गुना बढ़ गया। 4.5 करोड़ टन अनाज पैदा होता था 1947 में, अब 2002 में हमारे देश में 21 करोड़ टन अनाज पैदा होता है। तो 4.5 करोड़ टन वाला अनाज जब 21 करोड़ टन पहुंचा तो लगभग हमारा अनाज का उत्पादन 5 गुना बढ़ा है, जनसंख्या मात्र 3 गुनी बढ़ी है। तो अनाज का उत्पादन जनसंख्या से ज्यादा बढ़ा है, फिर हमारे देश में लोग भूख से क्यों मरते हैं? अगर अनाज का उत्पादन हमारे देश में 3 गुना बढ़ा होता और जनसंख्या 5 गुनी बढ़ गई होती तो मैं जरूर मान लेता कि हिंदुस्तान में भूखमरी से मरना चाहिए किसी को। लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ है, जनसंख्या बहुत कम बढ़ी है, अनाज का उत्पादन उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गया है, फिर भी लोग भूख से मरते हैं। और जो लोग भूख से मरते हैं उनकी खबरें आप अखबार में पढ़ते हैं, टेलीविजन के समाचार भी सुनते हैं। मैं संपूर्ण भारत देश में घूमता रहता हूँ। अभी थोड़े समय पहले मैं छत्तीसगढ़ में घूम रहा था तो रायपुर के पास एक छोटे से गांव में जाने का मौका मिला, तो वहां मैंने देखा कि 12 लोग मर गए थे भूख से। और वो कैसे मर गए थे? उनको कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला था, गांव में एक भैंस मर गई थी, वो सभी भूखे लोगों ने मरी हुई भैंस का मांस खा लिया था और वो सब मर गए। हिंदुस्तान की संसद में आए दिन इन प्रश्नों पर चर्चा होती है, बहस होती है, और बहस और चर्चा में एक पक्ष ये कहता है कि वो कुपोषण से मरे और दूसरा पक्ष ये कहता है कि वो गरीबी से मरे। अब दोनों ही तो एक सिक्के के दो हिस्से हैं। अगर गरीबी है तो कुपोषण भी होगा, और अगर कुपोषण है तो गरीबी होना बहुत स्वाभाविक, ये बहस भी रहती है। और ये अंतहीन बहस हमारी संसद में 55 साल से चालू है। तो मेरे समझ में नहीं आता कि जब देश में अन्न का उत्पादन जनसंख्या से ज्यादा बढ़ रहा हो तभी भी देश में भूखमरी से मरने वाले लोग। और इससे भी ज्यादा गंभीर दूसरा प्रश्न है वो ये कि हमारे देश में जब आजादी आई 1947 में तो कारखाने बहुत कम थे और कारखानों में होने वाला उत्पादन भी बहुत कम था, जिसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं। औद्योगिक उत्पादन हिंदुस्तान का 1947 में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। आज हिंदुस्तान का औद्योगिक उत्पादन 10 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। तो हमारा औद्योगिक उत्पादन 10 गुना बढ़ा है, जनसंख्या मात्र 3 गुनी बढ़ी है, तो बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज कहां से है हमारे देश में? ये जो हमने हमारे मन में बिठा लिया है कि जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है या जनसंख्या बढ़ने से बेकारी बढ़ती है, ये सिद्धांत ही गलत है। दुनिया में एक अर्थशास्त्री हुआ था
जिसने कहीं 450 या 500 साल पहले यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था, हालांकि वो सिद्धांत यूरोप के देशों ने ही पूरी तरह से नकार दिया है। और वो सिद्धांत यह हुआ करता था कि जो देश की जनसंख्या बढ़ती है वो देश में गरीबी बढ़ती है, जो देश में जनसंख्या बढ़ती है वो देश में बेकारी बढ़ती है। अगर इसी सिद्धांत को यूरोप और अमेरिका पर लागू किया जाए तो बिल्कुल उलट दिखाई देता है। भारत एक अकेला ऐसा देश नहीं है जिसकी जनसंख्या बढ़ी है, पिछले 50 वर्षों में 100 वर्षों में दुनिया के कई देशों की जनसंख्या बढ़ी है। अमेरिका की जनसंख्या बढ़ी है, फ्रांस की जनसंख्या बढ़ी है, जर्मनी की बढ़ी है, जापान की बढ़ी है, चाइना की बढ़ी है, और चाइना की तो सबसे ज्यादा बढ़ी है। अमेरिका की जनसंख्या पिछले 50 वर्षों में 2 गुने से ज्यादा हो गई है। ब्रिटेन की जनसंख्या और पूरे यूरोप की जनसंख्या पिछले 50-55 वर्षों में लगभग 3 गुनी बढ़ गई है। लेकिन देखने में ये आता है कि जिस यूरोप की जनसंख्या पिछले 50-55 वर्षों में 3 गुनी बढ़ी है, उस यूरोप में अमीरी पिछले 55 वर्षों में 1000 गुनी बढ़ चुकी है। गरीबी नहीं बढ़ी है, अमीरी बढ़ी। जिस अमेरिका की जनसंख्या पिछले 55 वर्षों में लगभग 2 गुने से कुछ ज्यादा हो गई है, वो अमेरिका में पिछले 55 वर्षों में अमीरी लगभग 1000 गुनी बढ़ चुकी। तो अमेरिका और यूरोप के देशों में जनसंख्या बढ़ने से अमीरी आती है, तो भारत में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी क्यों आनी चाहिए? और अगर भारत में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी आती है तो अमेरिका और यूरोप में भी जनसंख्या बढ़ने से गरीबी आनी चाहिए? क्योंकि सिद्धांत दुनिया में सर्वमान्य हुआ करते हैं, सिद्धांत कभी किसी देश की सीमाओं में नहीं बना करते। अगर कोई एक थीसिस है, कोई एक थ्योरी है, कोई एक सिद्धांत है कि जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ने से बेकारी बढ़ती है, तो जनसंख्या तो दुनिया के तमाम देशों की बढ़ी है, लेकिन भारत छोड़कर बहुत सारे देशों में ये देखा जा रहा है कि वहां तो जनसंख्या के साथ साथ अमीरी बढ़ रही है और यहाँ जनसंख्या के साथ गरीबी बढ़ रही है। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, डेनमार्क नाम का एक देश है, स्वीडन नाम का एक देश है, नॉर्वे नाम का एक देश है, वहां की सरकारें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो इसके लिए अभियान चलाती हैं। और जिस सरकारी कर्मचारी को एक बच्चा है और उसको दूसरा हो जाए तो तुरंत उसका प्रमोशन हो जाता और तीसरे बच्चे पर अधिकारी हो जाता है, ऑफिसर हो जाता, चौथा हो जाए तो उसको जितनी बड़ी रैंक चाहिए उतनी मिलने की संभावनाएं हो जाती। अब डेनमार्क की सरकार, नॉर्वे की सरकार, स्वीडन की सरकार, अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो स्कैंडिनेवियन देशों की सब सरकारें जनसंख्या बढ़ाने को प्रोत्साहन देती है और अपने अपने देश के लोगों को सिखाती है, बताती है कि ज्यादा बच्चे पैदा करो। यहाँ हमारे देश में ही उल्टा क्यों चलता है कि बच्चे कम पैदा करो? अगर स्कैंडिनेवियन देश ज्यादा बच्चे पैदा करके अमीर हो सकते हैं तो भारत ज्यादा बच्चे पैदा करके अमीर क्यों नहीं हो सकता भाई? या अगर वो ज्यादा बच्चे पैदा करके गरीब नहीं हो रहे हैं तो हम ही ज्यादा बच्चे पैदा करके गरीब क्यों हो रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न है जिसको मैं खोलना चाहता हूं आपके साथ। और ये इसलिए खोलना चाहता हूं कि हमारे मन में बहुत सारी गलत फहमियां बैठी हुई है जनसंख्या को लेकर और गरीबी को लेकर। मैं आपको निवेदन ये करना चाहता हूं कि जनसंख्या का किसी भी देश की गरीबी से कोई लेना देना नहीं, बेरोजगारी से जनसंख्या का कोई संबंध नहीं। और ये सिद्धांत जिसको दुनिया में 400 साल पहले किसी एक अर्थशास्त्री ने, जिसको अब यूरोप के देश अर्थशास्त्री भी नहीं मानते, उसने कभी कह दिया था, वो हमने पकड़ के रख लिया। यूरोप के देशों में वो सिद्धांत कभी का नकारा जा चुका है कि जनसंख्या बढ़ने या गरीबी बढ़ने का सीधा कोई संबंध है, ऐसा कोई संबंध नहीं है, बल्कि भारत की गरीबी का संबंध कोई दूसरा है। और भारत की गरीबी का संबंध क्या है, एक दिन ये मेरे समझ में आया। मैं एक बार एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में भाग ले रहा था, मेरे साथ कुछ विदेशी वैज्ञानिक थे जिनसे मैं चर्चा कर रहा था, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के कुछ वैज्ञानिकों से मैंने ये प्रश्न पूछा कि आपके देश की सरकार बच्चों को ज्यादा पैदा करो ऐसा अभियान चलाती है, ऐसा क्यों है आपके यहाँ? तो उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ काम करने वाले लोग बहुत कम है और काम हमारे पास ज्यादा है, तो हमें तो ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए जो काम कर सके। तो मैंने कहा, यही तो सिद्धांत भारत के लिए भी है। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं हम चाहते हैं कि भारत की जनसंख्या कम रहे, हमारी जनसंख्या बढ़ती है। तो मैंने कहा, ये कैसे होने वाला, भारत की जनसंख्या कम रहे और तुम्हारी संख्या बढ़ती जाए, हमारे गोरे लोगों की संख्या बढ़ती जाए और हम सामने लोगों की संख्या कम होती जाए, ताकि एक बार फिर तुम हमारे ऊपर कब्जा करने में सफल हो जाओ।
तो उन्होंने कहा नहीं नहीं राजीव भाई, बात कोई दूसरी। तो मैंने पूछा क्या बात है जरा बताओ तो सही। तभी मेरे ज्ञानी ने बहुत छोटे छोटे दबे दबे शब्दों में मुझे जो कहा वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसने कहा कि देखिए बात तो सच्ची ये है कि हम यूरोपियन देशों के पास संसाधन नहीं है, जिसको आप नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ईश्वर प्रदत्त संसाधन कहते हैं, वो हमारे पास नहीं है। हमको भगवान ने संसाधन नहीं दिए और ये बिल्कुल सच बात। कभी आपको यूरोप जाने का मौका मिले तो आप जाकर देखेंगे यूरोप दुनिया का सबसे गरीब इलाका संसाधनों के मामले, प्राकृतिक संसाधनों के मामले। और इतना ही नहीं है, मौसम के मामले में और भी ज्यादा गरीब है। यूरोप में साल में 9 महीने तो सूरज देवता के दर्शन नहीं होते लोगों को, धूप के लिए लोग तरस जाते हैं। और जब लोग धूप के लिए तरसते हैं तो समुद्र के किनारे नंगे बदन लेट लेट कर धूप का आनंद लेते हैं। भारत में आते हैं, अफ्रीका में जाते हैं, लैटिन अमेरिका में जाते हैं, जहां भी दरिया का किनारा मिल गया वहां यूरोप वाले जाते हैं और सारे कपड़े खोलकर समुद्र के किनारे पड़े हैं। उनको धूप चाहिए तो उनके अपने देश में उपलब्ध नहीं, इसके लिए वो दूसरे देश में भागे थे। भगवान ने यूरोप को धूप नहीं दिया है, बरसात बहुत अच्छी नहीं होती है, आज बारिश हो रही है, अभी हो सकता है कड़क कर धूप निकल आए, फिर हो सकता है रात को बर्फ गिर जाए। इतना अनिश्चित मौसम है, जितना अनिश्चित मौसम भारत में है शायद ही दुनिया के कोई देश में होगा। और खेत में माटी जितनी सुंदर भारत की है शायद ही दुनिया के कोई देश की होगी। दुनिया के बहुत सारे देश तो इतने खराब माटी वाले हैं कि साल में एक फसल हो जाए उनके यहाँ, यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो साल में 3 से 4 फसलें बड़े आराम से हुआ करती हैं। और कई देश तो ऐसे हैं जहाँ साल में 6 महीने खेतों में बर्फ भी बिछी रहती है तो कुछ होने की संभावना नहीं होती है, जीवन बहुत मुश्किल है वहां का। तो वहां के एक वैज्ञानिक ने मुझे जो कहा वो मैं कहता हूँ। उसने कहा राजीव भाई आप जानते हो कि हमारे यहाँ मौसम बहुत प्रतिकूल है, आपको शायद ये भी मालूम है हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है और हम दूसरे देशों के संसाधन पर ही जीवित हैं, खासकर भारत जैसे देशों के संसाधन हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। तो अगर आपके देश की भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी तो आपके अपने संसाधन आप ही इस्तेमाल कर लोगे, हमारे लिए आपके देश का कुछ बचेगा नहीं। इसलिए हम आपको ये सिखावन देते हैं कि आप अपनी जनसंख्या कम करो ताकि आपके संसाधन हमारे काम में आ जाए और हम हमारी जनसंख्या बढ़ाते जाए ताकि हमें हमारी मौज और मजा मिलता रहे। इसको अगर दूसरे शब्दों में मैं खोल कर कहूं तो यूरोप को हमारा आम चाहिए खाने के लिए जो यूरोप में नहीं होता, यूरोप को हमारे खाने पीने की बहुत सारी चीजें चाहिए, हमसे ड्राई फ्रूट्स चाहिए, काजू चाहिए, किशमिश चाहिए, मखान में चाहिए, मुनक्का चाहिए जो उनके देश में नहीं होता, उनको बहुत सारी ऐसी खाने, उनको चाय चाहिए, उनको कॉफी चाहिए जो उनके अपने देश में नहीं होती, उनको बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीजें चाहिए जो भारत में होती है या भारत जैसे गर्म जलवायु वाले देशों में होती है। तो वो देश कहते क्या है कि गर्म जलवायु वाले देश अपनी जनसंख्या कम करें ताकि उनकी चीजों को हम खा सकें, हम अपनी जनसंख्या बढ़ाते जाएं ताकि हमें जो करना है वो हम कर दें। ये असली खेल है जिसको हम जनसंख्या बढ़ोतरी से जोड़कर देते हैं। आपको कभी मौका मिले स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाने का, खासकर डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन में, और आप वहां जाकर देखना तो सरकार की तरफ से 50-50 पन्ने की बुकलेट छापी जाती है जिसमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ, बच्चों का ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़े, हमारे देश की जनसंख्या बढ़े, उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या हमको आगे बढ़ने में उससे सहूलियत होती है, वो सब बातें विस्तार से सुनाई जाती है। हमारे देश में उसका ठीक उल्टा होता है। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ इस तकरीर के माध्यम से कि जनसंख्या से गरीबी बेकारी का संबंध नहीं होता है। आप मुझे एक बात बताएं और शायद आपको भी ये समझ में आए कि कोई व्यक्ति जब पैदा होता है तो भगवान ने उसको खाने के लिए मुंह तो सिर्फ एक ही दिया है, काम करने के लिए 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं। एक आदमी पूरे जीवन काल में जितना भोजन करता है उससे 1000 गुना ज्यादा पैदा करता है। मैंने एक बार मेरे जीवन के बारे में हिसाब लगाया कि मैं जब ही पैदा हुआ और 80 बरस तक अगर मैं जीवित रहूं तो जब से मैं बचपन से 1 बरस का हुआ और 80 बरस तक मेरा जीवन चले तो कुल मिलाकर मैं कितना भोजन करूंगा। और अगर मैं 5 एकड़ खेत पर काम करता हूं रोज 18 बरस की उम्र से लेकर 60 बरस की उम्र तक तो कितना अनाज मैं पैदा करूंगा, उसका मैंने एक दिन हिसाब जोड़ा तो खाने वाला मेरा अनाज
मुश्किल से मुश्किल बैठता है जो 2.5 से 3 टन, बहुत अधिक तो 4 टन, बहुत ज्यादा खाने की कोशिश करूं तो 5 साढ़े 5 टन। आप कल्पना करो कि कोई मजदूर 10 टन खाएगा। और मैंने जब उत्पादन का हिसाब जोड़ा तो मैं 18 बरस की उम्र से काम करूं और लगभग 60 बरस की उम्र तक 5 एकड़ खेत पे काम करूं जो मेरे पास उपलब्ध हो, तो मैं 30,000 टन उत्पादन कर सकता हूं। 10 टन में खाना खाऊंगा, 30,000 टन पैदा करके जाऊंगा। अब बताओ, खाऊंगा ज्यादा कि पैदा ज्यादा करूंगा? मेरे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, भगवान ने सोचने के लिए दिमाग दिया है, आंखें दी हैं देखने के लिए, सुनने के लिए कान दिए हैं, ईश्वर ने 2 नहीं बनाए हैं, बाकी सब 2 है। मतलब क्या है, मनुष्य एक ऐसी प्रकृति में है जो खाता बहुत कम है, उत्पादन उससे भी ज्यादा करता है। और हर व्यक्ति जब उत्पादन कर सकता है तो एक नए व्यक्ति को आने देने से क्यों रोकना, वो उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा सकता हमारे देश में आके? और हर व्यक्ति अगर उत्पादन में लग सकता है तो जनसंख्या तो कोई संकट नहीं है, ये तो वरदान है हमारे लिए। आपको कभी चीन जाने का मौका मिले तो चीन को देखिए, चीन की सरकार कभी भी अपने लोगों को अभिशाप नहीं मानती। चीन की सरकार तो ये कहती है कि जितने ज्यादा हाथ उतना ज्यादा उत्पादन, और ये उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया दुनिया के सामने। तो भारत जैसे देश में अगर जितने ज्यादा हाथ उतना ज्यादा उत्पादन, ये सिद्धांत क्यों नहीं चल सकता? कारण उसका एक है, और कारण वो बिल्कुल सीधा है। चीन की सरकार ने अपनी पूरी व्यवस्था को ऐसे बनाया है जिसमें अधिक से अधिक हाथों को काम मिल सकता है। भारत देश की सरकार ने अपनी व्यवस्था को ऐसा बनाया है जिसमें कम से कम हाथों को काम मिल सकता है। ये है हमारी बुद्धि का फेर, और ये समझ का फेर और बुद्धि का फेर हुआ कैसे है? ये परदेशों से आने वाला जो विचार है जिसने हमको उड़ा दिया है एक हवा में, हम हमारी जमीन पर नहीं है, परदेशी विचार की जमीन पर है। अमेरिका से किसी ने कह दिया कि भारत को जनसंख्या कम करनी चाहिए, यूरोप में से किसी ने कह दिया भारत को जनसंख्या कम करनी चाहिए, तो हम जनसंख्या कम करने में लग जाते हैं। हम अपनी अकल से, अपने दिमाग से, अपने देश की परिस्थितियों के हिसाब से कभी सोच कर नहीं देखते हैं कि ये हमारे लिए ठीक है क्या जो वहां से कहा जा रहा है, और हम उसको स्वीकार करते हैं। हिंदुस्तान में कुछ हुआ ऐसा ही है। आजादी के 55 वर्षों के बाद जो व्यवस्था बनाई गई है, इस व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेकारी मिल सकती है, रोजगार नहीं मिल सकता। हिंदुस्तान की व्यवस्था इस तरह की बनाई गई है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को गरीबी मिल सकती है, अमीरी नहीं मिल सकती। और अगर अमीरी मिलेगी तो थोड़े बहुत लोगों को, जो शायद 1% भी नहीं है पूरे हिंदुस्तान की आबादी के। हो सकता है हिंदुस्तान में 1 करोड़ लोग बहुत अमीर हों, लेकिन 99 करोड़ लोगों को आप हमेशा जीवन में संघर्ष करते हुए ही पाएंगे। व्यवस्था हमारी ऐसी है, और ये व्यवस्था जो हमारी ऐसी है, जो हमको गरीबी ही देती है, बेकारी ही देती है, भुखमरा ही देती है, ये व्यवस्था दुर्भाग्य से अंग्रेजों की बनाई हुई है, जिसको 1947 में तोड़ देना चाहिए था, उसको हम तोड़ नहीं पाए, और वही व्यवस्था हमारी चलती चली आई है। अब उस व्यवस्था के विरोधाभास हमको दिखाई देते हैं, लेकिन उस व्यवस्था को ठीक करने का रास्ता नहीं दिखाई देता, इसलिए हम हमारी जनसंख्या को कोसते रहते हैं, अपने लोगों को कोसते रहते हैं। व्यवस्था की गलती, व्यवस्था की खामी हमको दिखाई देना बंद हो चुकी है। मुश्किल हमारी व्यवस्था। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आएगी। एक बहुत छोटा सा देश है दुनिया में, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। 1947 के साल में स्विट्जरलैंड की पूरी जनसंख्या मात्र 3 से 3.5 लाख के आसपास की। आज स्विट्जरलैंड की कुल जनसंख्या अगर उसके छोटे मोटे सब सबर्ब जोड़ दिए जाए तो 1 करोड़ से थोड़ा कुछ कम है, 9 लाख के आसपास है। तो 3 से 3.5 लाख की जनसंख्या अब न्यू लार्जली है 55 वर्षों। तो स्विट्जरलैंड गरीब हो जाना चाहिए था अगर जनसंख्या का सिद्धांत लागू करें तो, क्योंकि 3.5 लाख की बस्ती अगर न्यू लाख हो गई तो बस्ती वधारा लगभग 30 गुना हो गया, तो 30 गुनी गरीबी आनी चाहिए स्विट्जरलैंड में। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, स्विट्जरलैंड में पिछले 55 वर्षों में 10,000 गुनी अमीरी आई है, गरीबी नहीं आई है। 10,000 गुनी अमीरी आई है स्विट्जरलैंड पिछले 55 वर्ष। स्विट्जरलैंड के गरीब से गरीब आदमी की जो सालाना इनकम है वो हिंदुस्तान के अमीर से अमीर आदमी की सालाना इनकम को टक्कर देने के लिए काफी।
तो हमारा देश बस्ती बढ़ने से गरीब होता है, स्विट्जरलैंड की बस्ती बढ़ती है तो और ज्यादा अमीर होता है, ये चक्कर क्या है? चक्कर ये सीधा सीधा है, स्विट्जरलैंड दुनिया का एक ऐसा देश है जहां लक्ष्मी आती है और हिंदुस्तान दुनिया का एक ऐसा देश है जहां से लक्ष्मी जाती है। यहां से लक्ष्मी जा रही है, स्विट्जरलैंड में लक्ष्मी आ रही है, जहां लक्ष्मी आती है संपत्ति आती है, धन आता है, वहां अमीरी आती है, और जहां से लक्ष्मी चली जाती है वहां संपत्ति चली जाती है, धन चला जाता है, गरीबी आ जाती है। सीधा सा खेल है। एक बार मैं शंकर और पार्वती का किस्सा पढ़ रहा था। गणेश पुराण में शंकर जी पार्वती आपस में बात कर रहे, तो पार्वती जी शंकर जी को पूछ रही है ये लक्ष्मी का क्या संबंध है किसी एक व्यक्ति से। तो शंकर जी समझा रहे हैं कि देखो पार्वती, जिसके पास लक्ष्मी है वो अमीर है और जिसके पास से चली गई है वो गरीब है। सीधा सा है। तो लक्ष्मी हमारे पास से चली गई है इसलिए हम गरीब है, और स्विट्जरलैंड में पहुंच गई है इसलिए वो अमीर है। अब मुश्किल बात है जो कहनी है मुझे वो ये कि लक्ष्मी जो भारत से जा रही है और स्विट्जरलैंड में पहुंच रही है वो एक ही है, अलग अलग नहीं। माने भारत की लक्ष्मी भारत छोड़कर स्विट्जरलैंड जा रही है इसलिए स्विट्जरलैंड अमीर हो रहा है और भारत गरीब हो रहा है। आप पूछोगे कैसे जा रही है? भारत से एक बहुत बड़ी पाइपलाइन स्विट्जरलैंड के लिए गई है, एक बहुत बड़ी पाइपलाइन, और उसमें इतना डॉलर बहता है, इतना रुपया बहता है, आपकी कल्पना के बाद। ये जो पाइपलाइन भारत से स्विट्जरलैंड गई है इसमें तेल नहीं जाता, पानी नहीं जाता, दूध नहीं जाता, इसमें रुपया बह के जाता। और वो पाइपलाइन चीज भी सीधे स्विट्जरलैंड जाती है तो वो सीधे की सीधे वही खुलती है। वो पाइपलाइन है भ्रष्टाचार की, वो पाइपलाइन है हरामखोर राजनेताओं की, वो पाइपलाइन है भ्रष्ट राजकारणियों की। इन्हीं के कारण हिंदुस्तान की गरीबी है और इन्हीं के कारण स्विट्जरलैंड की अमीरी है। आप में से पता नहीं कितने लोग जानते हैं हिंदुस्तान के राजकारणी कितने भ्रष्ट हैं। ये थोड़े थोड़े दिन से आपको दिख रहा होगा, पेट्रोल पंप घोटाला, घोटाले में घोटाला, उसके पहले यूरिया घोटाला, फिर चारा घोटाला, तो फिर बोफोर्स घोटाला, तो फिर गेहूं घोटाला, तो फिर बाजरे घोटाला। ऐसा कोई एक शब्द नहीं है जिसका घोटाला ना। हिंदुस्तान आजाद हुआ घोटाला तभी से शुरू हो गया, आजादी मिलते ही घोटाला शुरू हुआ, और सबसे पहला घोटाला था वीके कृष्णा मेनन का जीप स्कैंडल। वीके कृष्णा मेनन इस देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने कागज पर जीप खरीदी और वो सप्लाई भी कागज पर हो गई और पैसा स्विट्जरलैंड में जाके जमा हो गया। घोटाला खुला, संसद में हल्ला हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देखो बिना भ्रष्टाचार के ये प्रशासन की मशीन चलती ही नहीं है। ये पंडित नेहरू के शब्द है लोकसभा में। बिना भ्रष्टाचार के प्रशासन की मशीन चलती ही नहीं है, तो ये भ्रष्टाचार हुआ घोटाला हुआ इसमें हैरानी कुछ भी नहीं है, ये तो सामान्य बात है। इसका अर्थ क्या है? आजादी होते ही घोटाले का घुल लग गया इस देश। और ये जो कह दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद के अंदर, इससे लोगों को और मौका मिला, तो जो कम भ्रष्टाचारी थे वो और हो गए और अधिक हो गए और फिर उससे अधिक हो गए। और अब भ्रष्टाचार का, पहले कहा करते थे हमारे देश में कि गंगोत्री है, अब भ्रष्टाचार का महासागर है। गंगोत्री तो कहीं खो गई है, अब तो महासागर ही महासागर। ये भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की गरीबी के सबसे बड़े कारणों में एक है। जनसंख्या हमारी गरीबी का कारण नहीं है, और भ्रष्टाचार हमारी गरीबी के सबसे बड़े कारणों में एक कैसे है? आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 17 अगस्त 2002 है। इतने के बीच में हिंदुस्तान के राजकारणियों ने, हिंदुस्तान के सरकारी अधिकारियों ने, और हिंदुस्तान के सरकारी अधिकारियों के साथ काम करने वाले दलालों ने हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार कर करके, घूस ले लेके, रिश्वत ले लेके इतना पैसा बनाया है, इतना पैसा बनाया है कि वो सारा पैसा अगर इकट्ठा करके आपको मैं दे दूं तो आप गुजरात के 18,000 गांव में एक एक गांव की सड़क सोने से बना सकते हैं। आप जानते हो कितना पैसा बनाया? भारत देश की एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। उस संस्था के आंकड़ों के अनुसार हिंदुस्तान के भ्रष्ट राजकारणियों का, हिंदुस्तान के भ्रष्ट अधिकारियों का स्विट्जरलैंड की बैंकों में, जहां
सबसे महत्व की बात ये कि काला धन ही जमा किया जाता है ऐसी स्विट्जरलैंड की बैंकों में जिनको शॉर्ट फॉर्म में स्विस बैंक के कहा जाता है, हालांकि उनके अलग अलग नाम है, जैसे बैंक ऑफ जिनीवा है, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड है, ऐसी अलग अलग वित्तीय बैंक है, जैसे भारत में स्टेट बैंक है वैसे वहां पर बैंक ऑफ जिनीवा है, बैंक ऑफ ज्यूरिख है, स्विस बैंक है, ऐसी तमाम स्विस बैंकों में सिर्फ काला धन जमा होता है। तो भारत के नेताओं ने भ्रष्टाचार कर करके जो काला धन जमा किया है वो स्विट्जरलैंड की बैंकों में इस समय जो रखा हुआ है उसका आंकड़ा अभी लगाया है, अनुमान अभी लगाया गया है, तो वो लगभग $1,000 अरब। $1,000 अरब को अगर रुपए में आप गिनेंगे तो 48 लाख करोड़ रुपए है। 48 लाख करोड़ रुपए कभी लिखेंगे तो 48 के आगे 14 शून्य लगाना पड़ेगा, तब 48 लाख करोड़ लिखा जाता। 48 लिखिए, फिर 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इतने शून्य लगाइए, तब 48 लाख करोड़ लिखा जाता। 48 लाख करोड़ रुपया इतना होता है कि हिंदुस्तान में 6 लाख गांव है, हर एक गांव को 8-8 करोड़ रुपया दे दो इतना होता है। और हिंदुस्तान के हर गांव को 8 करोड़ रुपया अगर आप दे दो तो कौन सा ऐसा गांव है जो भुखमरी का शिकार होगा, जरा मुझे बता दो। कोई गांव अगर कुछ भी ना करे और 8 करोड़ रुपया हम उसको दे रहे हैं, उसके हिस्से का जो नेताओं ने लूट करके रिश्वत लेके घूस करके इकट्ठा कर लिया है, वो गांव वाले अगर इतना ही करें कि 8 करोड़ रुपए को फिक्स डिपॉजिट में रख दें और 9% का ब्याज भी उनको बरस का मिलता रहे, तो आप जरा कल्पना करो कितना ब्याज आता। 8 करोड़ रुपए का साल का ब्याज इतना आता है कि गांव वाले खर्च करते करते परेशान हो जाते। गांव वाले चाहे तो अपने यहाँ कलेक्टर को नौकर रख लें, SP को नौकर रख लें, IG को नौकर रख लें, DIG को नौकर रख लें, तब भी उनसे वो रुपया खर्च नहीं होगा। वो ब्याज की बात करता हूं, मूल की बात नहीं करता। आप कल्पना करो हिंदुस्तान में अगर पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए 48 लाख करोड़ रुपए का तो कितना बैठेगा। हिंदुस्तान में 105 करोड़ की आबादी है, अगर हम पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन करें तो हर व्यक्ति को 4,80,000 करोड़ रुपए मिल जाएगा। और एक आदमी को 4,80,000 करोड़ मिलता, माफ करिए, 4,80,000 रुपए हर आदमी को मिल जाएगा। एक परिवार में अगर 5 आदमी रहते हैं तो एक परिवार को लगभग 22-23 लाख रुपए मिल जाएगा, और हर परिवार सिर्फ 22 लाख रुपए को फिक्स डिपॉजिट में रख ले और 9% का ब्याज लेना शुरू कर दे, कुछ ना करे, मान लो निकम्मेपन पे ही उतर आए हर एक परिवार, ना मेहनत करे ना ही कुछ करे, बस ये रुपया बैंक में जमा करे, 9% का ब्याज लेता रहे, आप बताओ एक परिवार भी भूखमरी से मरेगा क्या। 22 लाख का 9% जरा निकालो, साल का कितना निकलता है, 10% निकालोगे दो लाख रुपए निकल आएगा, 9% निकालोगे तो 2.25 लाख निकल आएगा, और 2.25 लाख रुपए एक साल में जिसके पास है तो लगभग महीने में 15,000 रुपए तो बड़े आराम से ही हो जाएगा, तो 15,000-17,000 रुपए आराम से 5 आदमी के परिवार को अगर महीने में मिलता है, आप बताओ कौन सा परिवार भुखमरी से मर जाएगा इस देश में, संभव ही नहीं है। तो हमारी गरीबी तो इसलिए नहीं है कि हम जनसंख्या में ज्यादा है, हमारी गरीबी इसलिए है कि हमारे यहां भ्रष्ट राजकारणी पैदा हो गए। इन भ्रष्ट राजकारणियों ने, इन भ्रष्ट अधिकारियों ने, इस पूरे भ्रष्ट प्रशासन तंत्र ने इस देश को गरीब बनाया है, अन्यथा यह देश सोने की चिड़िया था, आज भी सोने की चिड़िया है, भविष्य में भी सोने की चिड़िया होने की क्षमता रखता है। अगर इस देश के सारे राजकारणियों को पानी के जहाज में भर लिया जाए और ये कंडला बंदर पर डुबो दिया जाए, तो ये कंडला बंदर का एक ही अच्छा उपयोग हो सकता है मेरे हिसाब से, कि इस देश के सारे राजकारणियों को भर लो और बीच में ले जाकर वो जो सतसैडा वेट है ना वहीं डूबो, तो जो कारगिल को दिया था इन भ्रष्ट राजकारणियों ने बेच दिया था, ये देश बहुत अच्छा हो जाएगा, सोने की चिड़िया हो जाएगा। मैं आपको बहुत ईमानदारी से एक बात शेयर करना चाहता हूं, हो सकता है आप कह नहीं पाते, मैं कह देता हूं। मैं पिछली 6 महीने में कम से कम मुझे ये बात 1,000 लोगों ने कही कि हमला तो हुआ 13 दिसंबर को, लेकिन साला एक भी हरामखोर मरा गया। ये दोनों ही शब्द साला और हरामखोर,
एक ही मर जाता तो दिल को तसल्ली हो जाती, आत्मा को तसल्ली हो जाती। एक गांव में तो मुझे यहां तक कह दिया एक खेड़ूत ने, मैं अभी की घटना बताता हूँ। मैं एक छोटे से गांव में गया, पोरबंदर के नजदीक एक गांव में गया था। वहां एक खेड़ूत ने तो बिना पढ़ा लिखा, कुछ समझता नहीं, कुछ जानता नहीं, लेकिन कभी कभी समाचार सुनता है टीवी पे या कभी कभी रेडियो में सुनता है। उसने मेरी सभा में भाषण सुनने के बाद कहा कि वो 13 दिसंबर को हमला हुआ था संसद में। मैंने कहा हाँ हुआ था, आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसमें? तो उसने कहा वो बिल्डिंग टूट जाती तो मुझे थोड़ा दुख था, लेकिन ये अंदर बैठे हुए सब मर जाते तो मैं जरूर लड्डू बांट देता। मेरे तो लड्डू बांट दे अगर अंदर वाले सब मर जाते, बिल्डिंग टूट जाती तो उसको दुख था कि ये संसद की इतनी अच्छी बिल्डिंग टूट गई। मतलब बिल्डिंग टूटने का दुख है, अंदर बैठे हुए जो जिनावर है उनके मरने का किसी को दुख, वो मर जाते तो उनको कोई दुख। ये हिंदुस्तान के आदमी की दिल की बात है जो वो कहता है। ये अलग बात है कि वो आपसे कहेगा, छुप छुप के कहेगा, डर डर के कहेगा, मुझसे भी छुप छुप के डर डर के कहता, मैं उसको खुले में कह देता, बस इतना ही फर्क। महसूस वो भी वही करता है, महसूस मैं भी वही करता। तो इस हिंदुस्तान की गरीबी के जड़ में सबसे ज्यादा अगर कोई एक बड़ा कारण है तो वो हमारे देश का भ्रष्टाचार, वो हमारे देश का प्रशासनिक तंत्र जिसमें घुन लग गया है पूरा का पूरा और सड़ गया है पूरा का। हिंदुस्तान में आप कोई भी प्रशासनिक तंत्र में एक स्क्वायर इंच जमीन ऐसी मुझे दिखा दो जो बिना भ्रष्टाचार के, एक स्क्वायर इंच जमीन हिंदुस्तान के कोई प्रशासनिक कार्यालय में मुझे आप दिखा दो जो बिना भ्रष्टाचार के हो और यह भ्रष्टाचार से मुक्त हो। इस भ्रष्टाचार ने लीन लिया है, यह राक्षस से भी ज्यादा, दानव से भी ज्यादा भयावह है। और भ्रष्टाचार हर स्तर पर हो, सिर्फ राजनीतिक स्तर पर ही नहीं, हर स्तर पर यह हो। और इसने हमारे देश को गरीबी में ले जाने का बहुत बड़ा विक्रम किया है, बहुत बड़ा अभियान चला है। और इस भ्रष्टाचार के ही कारण मैंने आपसे कहा 48 लाख करोड़ रुपया आपके खून पसीने की कमाई का, मेरे खून पसीने की कमाई का स्विस बैंक में रखा हुआ है, जो हमें आपको मिल जाए तो हिंदुस्तान के गरीबों को लाइन लगाकर बांटना शुरू कर दें। हर एक आदमी को 4,80,000 रुपए मिल जाए, हिंदुस्तान की गरीबी एक मिनट में छू मंतर हो। और इसमें एक और बात है बहुत गहरा, जो नेता ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, लूट रहे हैं, ऐसे कई नेताओं को मैं जानता हूँ, उनसे कभी बात भी करता हूँ, चर्चा भी करता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले यही गुजरात के एक नेता का एक बेटा मुझे बोलता है राजकोट में कि राजीव भाई मेरे बापू को रात को नींद तब आती है जब घर में 1 करोड़ आ जाए। बापू जी को रात को नींद तब आती है जब घर में 1 करोड़ आ जाए, नहीं तो नींद ही नहीं आती बापू। आप सोचो सुखराम को नींद तब आती थी जब बिस्तर के दादले के नीचे 6 करोड़ की गड्डी लगा के सोता। आपको माहिती है सुखराम नाम का एक भ्रष्ट राजकारणी जिसको कोर्ट ने अभी 3-3.5 साल की सजा दिया भ्रष्टाचार में, वो आदमी बिस्तर के दादले के नीचे 500 के नोट की 6 करोड़ की गड्डी लगाता था, उसके ऊपर चादरी बिछाता था, फिर दरी लगाता था, फिर उसके बाद सोता था। अरे बिना नोट की गर्मी के नींद नहीं आती। और उसी राजकारणी के घर में जब पुलिस का छापा हुआ, सीबीआई और इनकम टैक्स वाले गए, तो गादले के नीचे से तो 6 करोड़ निकला था, उसके पानी के टाके में से 2.5 करोड़ के नोट निकले थे। पानी का टाका जिसमें पानी भरते, उसमें नोट भरे हुए थे, लोग पानी भरते उसमें नोट भरे हुए थे अपने टाके। ऐसी परिस्थिति अपने देश में। तो ये जो भ्रष्टाचार फैला है पूरे देश में, इसने घुन की तरह खा लिया है। इसी भ्रष्टाचार के कारण गरीबी आई है, इसी भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश की भूखमरी की हालत हुई, अन्यथा ये कभी होता है। लेकिन मुझे दुख इस बात का भी है कि ये जो भ्रष्टाचारी नेता इतना सारा घूस लेते हैं, रिश्वत देते हैं, पैसा बनाते हैं, बीमारी लग गई है, हाय पैसा हाय पैसा, लेकिन वो कभी भोग नहीं पाते उस पैसे। देखिए मैं आपको एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है आपके जीवन में कभी काम आए, हमेशा याद रखना। ये बहुत गहरी आध्यात्मिक बात कह रहा हूं आपसे। जीवन में जो पैसा होता है ना, उसकी 3 गति होती है, पैसे की हमेशा 3 गति होती है, चौथी कोई गति नहीं होती। पहली गति यह होती है कि या तो आपके पैसे को चोर चुरा ले जाएगा, डकैती में ले जाएगा, घर में आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है।
इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है, सेल्स टैक्स की रेट हो सकती है, सारा पैसा उसको चला जाएगा। एक तो गति ये है। दूसरी गति ये है पैसे की कि आप उसको जितना भोगना है भोग लो, लेकिन भोगने की एक सीमा होती है, उससे ज्यादा भोग नहीं सकते हैं। भोगने की एक मैक्सिमम लिमिट है, कितना भोगेंगे आप। एक दिवस में मान लो आप 10 जोड़ी कापड़ बदलते हो, 20 जोड़ी बदल लो, लेकिन 100 जोड़ी नहीं बदल सकते। एक दिवस में आप एक जोड़े जूते पहनकर फेंक सकते हो, लेकिन 10 जोड़े नहीं कर सकते। एक दिवस में एक कार वापस सकते हो, लेकिन 100 कार एक दिवस में नहीं वापस सकते। एक दिवस में एक कमरे में सो सकते हो एक बेड पर, लेकिन एक साथ 100 बेड पर नहीं सो सकते। भोगने की एक लिमिट है, कितना खा सकते हो लिमिट है। तो भोगने की तो लिमिट है, लेकिन पैसे की गति आप जरा समझ लो। पहली गति पैसे की है कि वो डूबेगा, चाहे तो चोर ले जाएगा, चाहे तो डकैत ले जाएगा, चाहे तो कोई इनकम टैक्स सेल्स टैक्स वाले ले जाएंगे, या तो कुछ और तरीके से जाएगा। दूसरी गति है कि आप उसको भोग लो, और तीसरी और एक आखिरी गति है जो सद गति है कि आप उसको दान कर लो। चौथी कोई गति होती नहीं पैसे, या तो पैसे को दान कर लो, या तो उसको भोग लो, नहीं तो वो डूबने वाला है। दुर्भाग्य से नेताओं के साथ ये जो नियम अगर लागू किया जाए तो वो भोगने का तो है, लेकिन मैंने कहा एक लिमिट है, उससे ज्यादा भोग नहीं सकते, और लिमिट के बाहर भोगेंगे तो एड्स जैसी खतरनाक बीमारी होने का संभावना रहती है। तो भोग लो भाई जितना भोग सकते हो। दान करना किसी नेता को आता नहीं है, वो हमेशा लेना जानता है, देना जानता है। नेता वही होता है जो हमेशा लेता है, देता कभी कुछ नहीं। नेताओं को तो मैंने ऐसा देखा है कि जेब से निकाल के चाय भी नहीं पीते, अरे भाई जरा चाय पिला दे, मेरी गाड़ी में डीजल डलवा दे, मेरी गाड़ी में पेट्रोल लगवा दे, पंचर भी हो गया साइकिल का तो पड़ोसी से मांग के पंचर जुड़वा लो। नेता कभी देना जानते नहीं, लेना जानते। तो दान की गति तो है नहीं उनके पैसे की। भोगने की एक लिमिट है, एक ही लिमिट है, वो है डूबने की। और सब नेताओं का पैसा डूबता है, और वो डूबता कैसे है। स्विट्जरलैंड की बैंकों का एक विचित्र नियम है जो दुनिया के दूसरे बैंकों में लागू नहीं है। वहां की बैंकों का नियम है कि जो पैसा जमा करता है वही निकाल सकता है, जमा करने वाला मरा तो पैसा डूब जाता है। तो नेता पैसा बनाते हैं लेकिन स्विट्जरलैंड की बैंकों में डुबाते हैं, और वो डूबता है। और आप जरा ध्यान दो तो पिछले 4-5 वर्षों में जितने नेताओं की मृत्यु के बारे में आप याद करो कर लो, सबके स्विस बैंक अकाउंट थे। पिछले 5 वर्ष में जितने नेताओं की कल्पना करो जो मर गए, कोई हवाई जहाज में मर गया, प्लेन क्रैश हो गया, किसी के प्लेन में आग लग गई, तो कोई प्लेन जमीन पर गिर के मर गया, तो किसी को किसी ने मार डाला, कुछ कुछ हो गया, किसी को गोली से उड़ा दिया, किसी ने वो फूलन देवी जैसे हुआ करती थी। आप कल्पना करो हिंदुस्तान में पिछले 5 साल में जितने भी नेता मरे, सबके स्विस बैंक अकाउंट। हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति को छोड़कर, कृष्णकांत जी जिनकी अभी थोड़े दिन पहले मृत्यु हुई, उनको छोड़कर जितने नेताओं की कल्पना करो, सबके स्विस बैंक अकाउंट। तो बनाए तो थे स्विस बैंक अकाउंट, लेकिन समय आया जब भोगने का या भोगने की एक लिमिट थी तो मर गए। भगवान ने बुला लिया कि आ जाओ, भोग बना लिया पैसा आपको मिला हमारे पास। एक दिवस में आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। दक्षिण भारत में मद्रास का एक बड़ा नेता मरा, 1 साल पहले की घटना है। मैं नाम नहीं लेता क्योंकि हिंदुस्तान में मरे हुए का नाम लेके भूलने की परंपरा नहीं। तो उसके बेटे का मुझे फोन आया, राजीव भाई मेरे पिताजी का मृत्यु हो गई, हम लोग एक कंडोलेंस मीटिंग कर रहे हैं मद्रास में, आप आएंगे। मैंने कहा भाई मैं नहीं आ सकता। कहने लगा क्यों। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल सकता वहां से। तो उसने कहा इसमें झूठ बोलना क्या, मेरे पिताजी मरे हैं, कंडोलेंस मीटिंग है, बहुत सारे लोग बोलेंगे, आपको भी बोल दीजिए, इसमें झूठ क्या बोलना। मैंने कहा भाई झूठ ये बोलना पड़ेगा, मुझे आकर इतना तो कहना ही पड़ेगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, इतना तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी तो कर्ज सी है ही, कर्जसी है ही, बिना कर्जसी के तो मैं नहीं मानता। और इतनी कर्जसी में इतना तो बोलना ही पड़ेगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और मैं जानता हूं कि उनकी आत्मा इस समय स्विट्जरलैंड में भटक रही है, क्योंकि जो अकाउंट उन्होंने जमा किया था उसको भोग पाए नहीं है, तो आत्मा तो वहां भटकती है। और मैं कहूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, शांति मिलेगी कैसे, इसलिए मैं झूठ बोलने के लिए नहीं आ सकता, तुम तुम्हारे रीत से कर लो अपना कार्य। मजाक के बहाने मैं आपको जो गंभीर बात कहना चाहता हूँ वो ये कि नेता पैसा तो बनाते हैं,
और पैसा बनाना बहुत आसान है भ्रष्टाचार करके, लेकिन उसका सद इस्तेमाल करना वो जीवन में सबसे मुश्किल काम है जो बहुत कम लोगों को आता और वो कर पाते नहीं है। पैसा बना के जाते हैं, स्विस बैंक में डूबता जाता है। हिंदुस्तान के बहुत सारे नेताओं का पैसा स्विस बैंक में डूबा हुआ है। कैसे कैसे नेताओं का पैसा स्विस बैंक में डूबा, अभी मैं पिछले 8-10 वर्षों से इस विषय में थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च करते करते कुछ मजेदार जानकारियां मिल रही है। एक जानकारी अभी थोड़े दिन पहले मुझे मिली महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री के बारे में। महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री जिनकी मौत हो चुकी है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी माना जाता था उनको, उनके साथ क्या दुर्घटना हुई वो मैं बताता हूँ। जो डॉक्यूमेंट अभी मेरे पास आए, वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके अर्थमंत्री हुआ करते थे। अब ए और बी नाम समझ लो, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो मुख्यमंत्री बहुत भ्रष्टाचारी, अर्थमंत्री सब भ्रष्टाचारी, दोनों इकट्ठे हो गए, चोर चोर मौसेरे भाई, सरकार बना लिया, खूब पैसा लूटना शुरू किया। अब पैसा लूट लूट के इकट्ठा किया। अब हुआ क्या कि दोनों ने एक तरीके से पैसा बनाया, तो दोनों की दोस्ती थी, तो दोनों ने कहा भाई चलो मिलके अकाउंट खोल लो स्विस बैंक। तो वो गए दोनों के दोनों और स्विस बैंक में अकाउंट ओपन किया। अब उन्होंने स्विस बैंक के साथ एक एग्रीमेंट किया कि हम दो पार्टनर हैं, हम में से कोई भी एक पैसा जमा करेगा और हम में से कोई भी एक विड्रॉ करेगा, ऐसा एक एग्रीमेंट उन्होंने किया। स्विस बैंक वालों ने कहा ठीक है, आप हमारा सर्विस चार्ज लेते रहिए, हम आपसे एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो सर्विस चार्ज देके उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। अब होता क्या था कि कभी एक जाता था वो पैसा जमा करके आता था, कभी दूसरा जाता था वो निकाल के आता था, ऐसे चल रहा था। एक दिवस क्या हुआ, सरकार गिर गई, तो मुख्यमंत्री भी पद से निकल गए और वित्त मंत्री भी निकल गए। तो वित्त मंत्री ने थोड़ी चालाकी किया, अर्थमंत्री ने चालाकी क्या किया कि बिना मुख्यमंत्री को बनाए वो स्विट्जरलैंड चला गया, सारा पैसा विड्रॉ करके अपने नाम से निकालकर सिंगापुर के बैंक में ले जाकर डिपॉजिट कर दिया। अब क्या हुआ, मुख्यमंत्री को एक दिन याद आया कि स्विस बैंक में बहुत अकाउंट है, तो इन्होंने कहा वो अकाउंट विड्रॉ करना है। तो ये गए स्विट्जरलैंड, तब तक वो एक्स चीफ मिनिस्टर हो चुके थे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो चुके थे, पहुंच गए वहां। अब स्विट्जरलैंड में पता चला कि अकाउंट तो जीरो है, क्योंकि अर्थमंत्री पहले ही सब निकाल ले गया और सिंगापुर के बैंक में रख दिया उसने। तो इन्होंने फिर डिटेक्टिव्स लगाए, जासूस लगाए और खोज करवाना शुरू किया कि कहां गया हमारा पैसा, कौन ले गया उसको। तो पता चला कि वो तो सिंगापुर बैंक में ट्रांसफर हुआ था, ये सिंगापुर बैंक। सिंगापुर बैंक में पता चला कि बात तो सही है, उनके अकाउंट का सारा पैसा निकालकर अर्थमंत्री ने, वित्त मंत्री ने अपने नाम से बैंक ऑफ सिंगापुर में रख दिया। अब इन्होंने सोचा कि कैसे इसको विड्रॉ करना, तो उसी में मगजमारी करने लगे, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। उतर रहे थे बैंक की सीढ़ियों से, तो सीढ़ियों से उतरने में तकलीफ आई, तो फिर लिफ्ट में चले गए, लिफ्ट में पांव रखते ही उनकी डेथ हुई। और लिफ्ट जब खोली गई तो एक्स चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र की डेड बॉडी उसमें से निकली और उनकी डेड बॉडी फिर मुंबई लाई गई, फिर उसका क्रीमेशन किया गया। एक पक्ष जिसके वो हुआ करते थे, जिसका नाम था कांग्रेस, कांग्रेस के नेताओं ने उस बात को भरसक दबाने की कोशिश की, लेकिन आप जानते हो ऐसी बातें छुपती नहीं और दबती भी नहीं। सिंगापुर के अखबारों में खूब बड़े बड़े अक्षरों में छप गया कि भारत के महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर की लिफ्ट में मौत हो गई। अब लिफ्ट में मौत हुई तो पहुंच गए पत्रकार उस बैंक में, कैसे हुई, क्या हुआ। तो बैंक के स्टाफ वालों ने बता दिया जी वो ऐसे ऐसे आए थे, उनका अकाउंट चेक करने पता चला कि उनका पैसा किसी दूसरे के नाम पर है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, हार्ट अटैक आ गया, मर गए। ऐसे ऐसे हमारे देश में मुख्यमंत्री हुए हैं, ऐसे ऐसे पता नहीं कौन कौन हुए इस देश में। तो पैसा खूब बना रहे हैं, लूट रहे हैं, लिमिटलेस, बिना लिमिट के लूट हो रही है इस देश में, और वो ले जाके स्विस बैंक में रख रहे हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि वो भोग भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन देश के भी काम नहीं आ रहा, वो सारा पैसा वहां डूबा हुआ है। हमारे देश में लूट दो तरह से होती है, एक ऑफिशियल एक अनऑफिशियल। भ्रष्टाचार भी दो है, एक ऑफिशियल है एक अनऑफिशियल। ऑफिशियल भ्रष्टाचार क्या होता है, जब सामने से समझ बूझ कर आपकी जेब से पैसा निकाला जाता है, और अनऑफिशियल क्या होता है, जब जबरदस्ती आपसे निकाला जाता है, समझ बूझ कर आपकी जेब से जो पैसा निकाला जाता है सरकार के द्वारा, ये कहकर कि हम भारत का विकास करेंगे, और वास्तव में भारत का विकास नहीं होता, उससे नेताओं का विकास होता है। आप में से बहुत कम लोग शायद जानते हैं कि हर साल आप भारत सरकार को टैक्स के रूप में 5,500 रुपए देते हैं, हर हिंदुस्तानी सरकार को एक साल में 5,500 रुपए का टैक्स देता है।
और ये टैक्स का पैसा आप इसलिए देते हैं कि देश का विकास हो, लेकिन आपके दिए गए इस टैक्स के पैसे में से भारत देश की सरकार के नेता अपनी पगार लेते हैं, उसको मैं ऑफिशियल लूट कहता हूं। और वो पगारें कैसी हैं? हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, उनका एक साल का पगार का कुल खर्चा 20 करोड़ रुपया, एक महीने का उनका कुल खर्चा पगार का आप कल्पना करो, 20 करोड़ रुपया साल का है तो एक महीने का लगभग 2.25 करोड़ रुपया, और एक दिवस का खर्चा 6 लाख रुपया। राष्ट्रपति का एक दिवस का खर्चा 6 लाख रुपया है। इसलिए माने आप रात को चादर तान के सोते हैं और सवेरे जब उठते हैं उतनी देर में राष्ट्रपति 6 लाख रुपए खर्च करते हैं। और कहां खर्चा होता है ये आप पूछो उनसे, तो पता चले कि उनके पास जो महल है वो 350 कमरे का। अभी जो राष्ट्रपति हुए हैं वो अविवाहित हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने एक दिन ये कहा कि मैं अकेला आदमी रहने वाला, अब ये 350 कमरे का मैं क्या करूं। उन्होंने एक दिन प्रश्न पूछा पत्रकारों से, कहा मैं क्या करूं इसका, तो किसी ने कहा ताला लगा दो, एक कमरे में आप रहो 349 को ताला लगा दो। तो लड़का मुझे कोई वादा नहीं है, मैं तो पूरी जिंदगी एक कमरे में ही रहा हूं, मुझे बाकी कमरे में ताला लगाने में वादा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम प्रोटोकॉल का है, नियम ऐसा है, कायदा ऐसा है कि राष्ट्रपति सब कमरों में ताला नहीं लगा सकता, हर कमरा खुलना ही चाहिए, उसमें झाड़ू लगनी ही चाहिए, उसमें पोछा लगना ही चाहिए, उसमें धुलाई होनी ही चाहिए। अब झाड़ू पोछा लगाने के लिए 1084 कर्मचारी राष्ट्रपति भवन, 1084 कर्मचारी रोज झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, दीवार झाड़ते हैं, सब करते हैं, रहता उसमें कोई नहीं है, रहने वाला एक आदमी है, कमरे 350। हिंदुस्तान का कौन सा राजा था जिसके महल में 350 कमरे थे, आप जरा याद करके बताओ। शिवाजी महाराज के कमरे 350 थे कि राणा प्रताप के कमरे 350 थे, कौन सा राजा था इसके? हिंदुस्तान में कोई राजा का घर भी 350 कमरे का नहीं है, वो हमारे देश में राष्ट्रपति का है। और वो 350 कमरे को झाड़ पोछ करने के लिए मैंने कहा 1084 कर्मचारी। फिर उनके घर में एक बागीचा है जिसको मुगल गार्डन कहते हैं, उस मुगल गार्डन में घास को खोदने और घास लगाने के लिए 800 मालिक, 100 गार्डनर्स। फिर उनके पास एक ट्रेन है राष्ट्रपति के पास, आप में से शायद ही कोई जानता होगा इसलिए ये कह रहा हूं, राष्ट्रपति के पास एक ट्रेन है 18 डिब्बे की, 18 कोच की, 100% एयर कंडीशन, लेकिन कभी चलती नहीं है, खड़ी रहती है तैयार, चलती कभी नहीं क्योंकि राष्ट्रपति कभी बैठते नहीं, ट्रेन कभी चलती नहीं। एक बार मैंने ये सुझाव दिया था राष्ट्रपति के एक एसीपी को कि ये ट्रेन फालतू में खड़ी रहती है, इसको चला दो, दिल्ली से अहमदाबाद चला दो, या दिल्ली से मुंबई चला दो, या दिल्ली से बेंगलोर चला दो, कुछ किराया आएगा तो ट्रेन का खर्चा तो निकल आएगा, जब राष्ट्रपति को जाना है तो उस दिन नहीं चलाना, बस इतना ही है। उनका नहीं, ये चल नहीं सकती, ये ऐसे ही खड़ी है, राष्ट्रपति जब भी बैठेंगे तब ये चलेगी, नहीं तो ऐसे ही खड़ी रहेगी। अब मैंने पूछा भाई ये खड़ी रहेगी तो कुछ तो खर्चा है, हाँ उन्होंने कहा खर्चा तो बहुत है इसका, क्योंकि जब खड़ी रहती है तो इस स्थिति में खड़ी रहती है कि अभी राष्ट्रपति बैठे हैं वो ट्रेन चल दे, अब इस कंडीशन में खड़ी है तो एसी भी चालू है, पंखे भी चालू है, लाइट भी उसकी चालू है, सब कुछ उसमें ऑन रहता है, बिजली जलती रहती है, खर्चा होता रहता है, उसकी देखभाल करने के लिए कर्मचारियों को पगार मिलती रहती है। तो मैंने उसका हिसाब पूछा था कि ये ट्रेन के खड़े होने का खर्चा क्या है, चलने का नहीं खड़े होने का। तो एक एसीपी ने मुझे कहा कि ये 1.5 लाख रुपए रोज का खर्चा है इसका, आप जरा कल्पना करो 1.5 लाख रुपए रोज का ट्रेन का खर्चा, जो चलती नहीं है कभी, बस खड़ी रहती है। और क्यों नहीं चलती, क्योंकि प्रोटोकॉल है, राष्ट्रपति बैठेंगे तभी चलेगी। ऐसा दुनिया में शायद ही किसी देश में राष्ट्रपति नेता होगा। मैं तो आपको एक छोटी घटना बताता हूं, आपकी कल्पना के बाहर, आपको सोच में भी नहीं आएगा। फिलीपींस नाम का एक छोटा सा देश अपने बगल में, आपको मानती है फिलीपींस का राष्ट्रपति सवेरे 7 बजे से 10 बजे तक खेत पे काम करता है और 10 बजे आकर अपने ऑफिस में काम करता है, शाम को 5 बजे फिर खेत में जाके काम करता है, रात भर खेत में काम करता है, फिर सवेरे ऑफिस में आके काम करता है। और ये अकेले फिलीपींस की कहानी नहीं है, दुनिया के कई देश के राष्ट्रपति ये करते हैं।
सिर्फ फिलीपींस एक देश नहीं है, 50 से ज्यादा दुनिया में ऐसे देश हैं जहां का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अपनी जीविका चलाने के लिए या तो खेत में काम करता है, या कहीं किसी फैक्ट्री में काम करता है, या किसी व्यापार के काम पर लगा हुआ है, या तो किसी मजदूरी के काम पर लगा हुआ है। लेकिन वो उतनी देर जब अपनी मजदूरी करता है राष्ट्रपति नहीं होता, और जब मजदूरी करके भवन में आता है तो राष्ट्रपति होता है, एक साधारण आदमी की तरह से। ये हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश है जहां का राष्ट्रपति कुछ कर नहीं सकता, ये नियम है हमारे, और ये नियम अंग्रेजों का बनाया हुआ है, क्योंकि अंग्रेजों को वॉयसराय यहाँ रखना होता था, और जो अंग्रेजों का वॉयसराय होता था वही आज हमारे यहाँ राष्ट्रपति, आज हमारे यहाँ राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति है उसका खर्चा, फिर उपराष्ट्रपति है उसका खर्चा, फिर उसके नीचे पंत प्रधान, बड़ा प्रधान, उनका खर्चा, फिर उनके साथ 84 प्रधान, उनका खर्चा, इन सबका कुल खर्चा वर्ष का 350 करोड़ रुपए का। फिर ये जो 84 प्रधान और बड़ा प्रधान मिलकर हर वर्ष प्रदेश यात्रा करते हैं, आप जानते हैं कि प्रदेश यात्रा किस लिए होती है, कुछ प्रदेश यात्रा तो दोस्ती बढ़ाने के लिए होती है, लेकिन उससे ज्यादा प्रदेश यात्रा ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए होती है, बीपी बढ़ गया इसलिए चलो चेक कराने के लिए, किसी को जुकाम हो गया है तो चलो दवा लेने के लिए लंदन, कोई लंदन जाता है, कोई हॉकिंस में जाता है, तो कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। इन्हीं नेताओं को मैं देखता हूं, जब तक कुर्सी पर नहीं होते तो किसी फटीचर डॉक्टर के यहाँ भी नहीं जाते, लेकिन जैसे ही कुर्सी पर बैठते हैं मंत्री हो जाते हैं तो सीधे अमरीका से नीचे बात नहीं करते, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो अमरीका जाएंगे। हिंदुस्तान में इस समय दुर्भाग्य ऐसा है कि 5 भूतपूर्व प्रधानमंत्री जीवित है और 5 बीमार, एक भी उनमें से स्वस्थ नहीं, एक ऐसा है कि उसकी दोनों किडनी फेल हो गई है बीपी से, दूसरे नरसिम्हा राव उनका दिल काम नहीं करता, तीसरे चंद्रशेखर उनको हाई बीपी की शिकायत, 5 के 5 बीमार, इंद्र कुमार गुजरात को ठीक से दिखाई नहीं देता, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना उनकी, अगर आंख दोनों आप देखो इंद्र कुमार गुजरात की तो उनको आंख से ठीक से दिखाई नहीं देता। बड़े बड़े विचित्र विचित्र प्रधानमंत्री हमारे देश में, बताइए कहां कहां से चिड़ियाघर में से निकाल निकाल के इनको बिठा दिया जाता है। तो ऐसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अब सब बीमार है, बीमार है तो जाते हैं प्रदेश, और एक प्रदेश यात्रा करें तो 2.5-3 करोड़ का खर्चा। एक दिन थोड़े दिन पहले मैंने भारत सरकार की संसद में भारत सरकार के भूतपूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के बारे में एक छोटा प्रश्न करवाया, एक संसद सभ्य को कहा कि जरा आप पूछो वीपी सिंह का साल का इलाज का खर्चा क्या, तो सरकार का जवाब आया कि उनका साल का इलाज का खर्चा करीब 4.5-5 करोड़ रुपए हो जाता है। क्या इलाज करते हैं, उनकी किडनी फेल हो गई है तो क्या करते हैं, लंदन जाते हैं डायलिसिस के लिए, तो डायलिसिस तो दिल्ली में भी हो सकता है, दिल्ली में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसका नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहां पर बहुत अच्छी सुविधा है, आप जाओ दुनिया के कोई भी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जो सुविधा है वो दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में है, अमेरिका के हॉस्पिटल्स में जितनी सुविधाएं हैं वो दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में है, मुंबई में बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, लीलावती हॉस्पिटल चले जाओ, बीच कैंटी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन नहीं वो लंदन ही जाते हैं डायलिसिस कराने के लिए, और जब वो लंदन जाते हैं तो परिवार सहित जाते हैं, उनका परिवार 5-स्टार होटल में ठहरता है, वो भी 5-स्टार होटल में ठहरते हैं, डॉक्टर की फीस अलग जाती है, दवाई का खर्च अलग जाता है, 5-स्टार होटल का खर्चा अलग जाता है, हिंदुस्तान के जनता के खून पसीने की कमाई पर तागड़ भिन्ना करने की आदत पड़ गई है नेताओं को, अगर उनको अपनी जेब से खर्चा करना होता कभी लंदन नहीं जाते, हो सकता है इलाहाबाद के पास के किसी गांव के डॉक्टर से इलाज करा लेते, क्योंकि वीपी सिंह इलाहाबाद के रहने वाले, लेकिन भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो गए इसलिए इलाज उनका लंदन नहीं हो सकता। पता नहीं ये कहां से नियम है, कहां से कायदे बन गए हैं इस देश में, भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो या वर्तमान प्रधानमंत्री, सबका इलाज प्रदेश में होगा, हॉस्पिटल में यहाँ हिंदुस्तान में कराएंगे तो डॉक्टर प्रदेश से आएगा, डॉक्टर ही प्रदेश से नहीं आएगा, इंस्ट्रूमेंट भी प्रदेश से आएंगे, इनको आदत पड़ गई है। अगर अपनी मेहनत की अपनी कमाई का पैसा खर्च करना होता तो दांत से दवा दवा कर चवन्नी खर्च किया जाता है, चूंकि दूसरे के पैसे पर अपने को हरामखोरी करने की आदत है इसीलिए ये सब होता है इसलिए, और जनता हमारी इतनी भोली भाली इतनी सीधी सादी, कभी हमारे देश की जनता ये प्रश्न नहीं पूछती किसी संसद सभ्य से या किसी देश के बड़ा प्रधान से
कि हमने तुमको प्रधानमंत्री बनाया, हम तुमको बजट बनाने के लिए खून पसीने की कमाई में से टैक्स का पैसा दे रहे हैं, ये टैक्स का पैसा हम देश के विकास के लिए दे रहे हैं, ना कि तुम्हारे बर्बादी के लिए। कभी जनता पूछती नहीं इससे, और चूंकि जनता पूछती नहीं है इसलिए इनको आदत पड़ गई है, जब मन में आया जहां मन में आया विदेश यात्रा किया, जैसे मन में आया वैसे खर्च किया। एक बरस 2001 का, सिर्फ 2001 का एक बरस का भारत सरकार के मंत्रियों का विदेश यात्रा का खर्चा लास्ट ईयर का 2000 करोड़ रुपए हुआ, 2000 करोड़ रुपए। और उनमें से 85% यात्रा ऐसी थी जिनको होने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं की कि वो विदेश यात्रा की जाए, लेकिन 2000 करोड़ रुपया पानी में डाल दिया, खड्डे में डाल दिया या आग लगा दिया इन लोगों ने। इनको दर्द नहीं है, जब मन में आया विदेश चल दिए, जब मन में आया चल। अभी आप देखते जाओ, एक हफ्ता बीतने के बाद हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा मंत्री आपको अमरीका में दिखाई देंगे, अभी देखना एक हफ्ते के अंदर। प्रधानमंत्री अमरीका में, गृह मंत्री अमरीका में, वाइस प्राइम मिनिस्टर अमरीका में, विदेश मंत्री अमरीका में, सबके सब अमरीका। एक विदेश मंत्री हमने इसी काम के लिए रखा हुआ कि जब भी परदेश जाना हो तो विदेश मंत्री का काम, लेकिन सबको विदेश जाने की आदत। छोटे छोटे काम उद्घाटन करने के लिए, भारत का कोई मेला फ्रांस में हो रहा है तो उसके उद्घाटन के लिए परदेश जा रहे हैं, या भारत की कहीं कोई दुकान खुल रही है अमरीका में तो उसके उद्घाटन के लिए परदेश जा रहे हैं। बहाने बहाने ऐसे निकालते हैं परदेश यात्रा के, आपकी कल्पना क्यों। अभी थोड़े दिन पहले संसद में एक दिन बहस हो रही थी कि हमारे मंत्रियों की जो परदेश यात्रा है और सांसदों की जो परदेश यात्रा है, इसका जो खर्चा है, ये खर्चा लगातार बढ़ रहा है। जो संसद में एक दिन बहस हो रही थी तो उस बहस में पुराना कच्चा चिट्ठा खोला जा रहा था, तो कैसी कैसी यात्राएं हुई। एक बार हिंदुस्तान की संसद के 53 संसद सभ्यों ने अमरीका की यात्रा की, इसलिए कि भारत के राजकारण में हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए 53 सांसद अमरीका चले। अब अमरीका से सीख के आएंगे कि भारत के राजकारण में हिंदी का प्रयोग कैसे हुआ। महाराष्ट्र के एक बार 25 से ज्यादा धारासभ्य सिंगापुर की यात्रा पर गए, किसलिए, महाराष्ट्र में ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था को कैसे दुरुस्त बनाया जाए, इसके लिए धारासभ्य सिंगापुर गए। अब क्या सीख के आए मालूम नहीं, भगवान जाने। महाराष्ट्र के ट्रैफिक सिग्नल की प्रॉब्लम वैसी की वैसी। मुंबई की सड़क पर सफाई व्यवस्था कैसे अच्छी हो, इसके लिए ताइवान की यात्रा क्या है, सिंगापुर की यात्रा क्या है, हांगकांग की यात्रा क्या है, अभी एक महीने पहले। ऐसे हिंदुस्तान में यात्राएं होती, उन यात्राओं में इस तरह के खर्च होते। मैं आपको मेरी आंखों देखिए घटना सुनाता हूँ, हिंदुस्तान के नेता किस तरह से खर्चा करते हैं। मैं इस समय महाराष्ट्र में रहता हूँ, वर्धा नाम के गाँव में। लगभग 3.5-4 साल पहले मेरे गाँव में दुर्घटना हो गई वर्धा में। 3 किसान भूख से मर गए, और किसान ही भूख से मरता है, नेता कभी नहीं मरता। ज्यादा खा के मर जाए ऐसे नेताओं की लिस्ट मेरे पास है, भूख से मरा ऐसा मैं नहीं जानता किसी नेता। और ज्यादा खा के मरना माने डायबिटीज से मरना, डायबिटीज से मरना माने ज्यादा खा के मरना, जरूरत से ज्यादा खाएंगे तभी तो डायबिटीज होगा, नहीं तो कैसे हो जाएंगे। तो ज्यादा खा के मरे वो तो नेता है, और भूख से मरे वो किसान। 3 किसान भूख से मर गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि इन तीनों किसानों की जो विधवाएं, उनको 1-1 लाख रुपए अनुदान राशि दी जाए। अर्थ इसका यह है कि जब तक तीनों जीवित थे तो उनको खाने को रोटी नहीं मिली, अब वो मर गए तो उनकी विधवाओं को 1-1 लाख रुपए अनुदान मिलेगा। ठीक है भाई, 1-1 लाख रुपए का अनुदान राशि देने की घोषणा हो गई। थोड़े दिन के बाद एक कार्यक्रम हुआ, बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ, बहुत जोरदार पंडाल बना, पंडाल के बाहर बहुत बढ़िया लाइटिंग हुई वगैरह वगैरह सब जोरदार। मुख्यमंत्री आए हेलीकॉप्टर से, तीनों मरे हुए किसानों की विधवाओं को 1-1 लाख रुपए का उन्होंने चेक दिया, तो वो विधवाएं चेक को देख के उनको समझ में नहीं आई है क्या कागज का टुकड़ा, जिंदगी में कभी चेक देखा नहीं उन्होंने, तो उनको चेक मिल गया 1-1 लाख का। अब उनकी तरफ से मेरे जैसे एक पत्रकार ने कह दिया कि ये 1-1 लाख रुपए इनको कैश ही दे दिया होता, तो उन्होंने कहा नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नियम नहीं है, तो पत्रकार ने वही मंच पे कह दिया कि लेने के लिए तो आप कैश में लेते हो हमेशा, देने के लिए नियम नहीं। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने चेक में रिश्वत नहीं लिया, और ड्राफ्ट में तो कल्पना नहीं कर, हमेशा कैश ही चाहिए, लेने के लिए कैश और देने के लिए नियम कि चेक में ही देंगे, उसके अलावा नहीं दे सकते।
अतीवो महिलाएं जिन्होंने बैंक का कभी मुंह नहीं देखा, जो जानती नहीं कि बैंक होता क्या है, जिनको मालूम नहीं कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, उनको मालूम नहीं कि अकाउंट कैसे खोलते हैं, उनको एक एक लाख का चेक मिल गया, खैर वो चेक मिल गया। अब कार्यक्रम संपन्न हो गया, मेरा एक मित्र वहां बैठा था, उसने कहा राजीव भाई अब तो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जरा इसकी कुछ इंक्वायरी किया जाए। मैंने कहा क्या करना कि कलेक्टर से मिलते हैं। मैंने कहा चलो, तो कलेक्टर के पास मैं गया, मेरे साथ मेरा एक पत्रकार मित्र, तो कलेक्टर को हमने सीधे एक प्रश्न किया। मैंने कहा यह 3 लाख रुपए का अनुदान राशि देने के लिए जो कार्यक्रम आपने आयोजित किया जिसमें मुख्यमंत्री आए, इस आयोजन का खर्चा कितना है? तो उसने कहा आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा भाई मैं भारत का नागरिक हूँ, सरकार को टैक्स देता हूँ, ये जानने का मेरा प्राथमिक अधिकार है, और अगर आप बताते हो तो ठीक है, नहीं तो हाईकोर्ट की मदद से मैं पूछ लूंगा ये आपसे। हाईकोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन लगाऊंगा, राइट टू इंफॉर्मेशन मेरा फंडामेंटल राइट है और मैं ले लूंगा आपसे। तब क्या होगा? बदनामी होगी, चिड़चिड़ी होगी, ऐसे ही बता दो। तब उसने कहा कि देखिए 3 लाख रुपए का अनुदान राशि देने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है इसमें 27 लाख रुपए खर्च हो। ऐसे हिंदुस्तान में पैसा खर्च हो, इसलिए ये देश गरीब। देश इसलिए गरीब नहीं है कि हमारी जनसंख्या बढ़ गई, देश इसलिए गरीब है कि हमारे खून पसीने की कमाई का पैसा हमारे ही देश के नेता जिस बर्बादी से खर्च कर रहे हैं, या तो घूस लेकर, या रिश्वत लेकर, या भ्रष्टाचार करके, नहीं तो अपनी पगार लेकर, नहीं तो तमाम दूसरे तरीकों से खर्च करके, उसी ने हिंदुस्तान को डुबो दिया है। आप शायद जानकर हैरान हो जाएंगे, भारत देश की सरकार दुनिया में ऐसी सरकार है जिसकी आमदनी उसके खर्चे से बहुत कम है। भारत सरकार का एक दिवस का खर्चा जानते हैं कितना? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके 84 मंत्री, फिर 800 संसद सभ्य, फिर उसके बाद 28 मुख्यमंत्री जिनको मैं भारत सरकार मानता हूँ, 28 राज्यपाल, और फिर 4120 धारा सभ्य, 14,000 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर, ये पूरी की पूरी जो प्लाटून हमारे देश में रहती है, ये जो पूरी फौज है बिना बंदूक और बिना हथियार की, आर्मी वाले तब भी सेना पे कुछ काम करते हैं, बंदूक चलाते हैं तो कुछ नहीं करते, निकम्मे निठल्ले, एकदम निकम्मे और निठल्ले, कुछ करते नहीं। संसद में अभी गान बजाने के अलावा कुछ नहीं करते, और वो भी बहस ऐसे ऐसे मुद्दों पर जहां कोई जरूरत नहीं, और जहां जरूरत है वहां बहस नहीं। तो जो बिल्कुल निकम्मे निठल्ले लोग हैं उनका एक दिवस का खर्चा 1,800 करोड़ रुपए का है, एक दिवस का टोटल खर्चा हिंदुस्तान 18 अबज रुपया। हिंदुस्तान की सरकार राष्ट्रपति से लेकर और नीचे जो आपके गांव में म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर है वहां तक का कुल खर्चा एक दिवस का 18 अबज रुपया है। माने देश की व्यवस्था को चलाने के लिए जो नेताओं को हमने नियुक्त किया है वो एक दिवस में 1,800 करोड़ खर्च करते हैं, एक साल में कितना करते होंगे? 18 अबज में 365 × 18 बिलियन रुपीज, इतना खर्चा। और ये खर्चा कौन देता है? आप देते हो, मैं देता। आप कल्पना करो कि हिंदुस्तान की व्यवस्था चलाने का खर्च वैसा ही हो जैसे फिलीपींस में। मैंने आपसे कहा कि फिलीपींस का राष्ट्रपति सवेरे 7 बजे से 10 बजे तक खेत पे काम करता है, अपनी जीविका के लिए खुद कमाता है, 10 बजे ऑफिस में आके बैठता है, 5 बजे तक राष्ट्रपति होता है, शाम को 5 बजे जाकर फिर खेत पे काम करता है, फिर अपनी जीविका चलाता है। अगर यही कायदा, यही नियम हिंदुस्तान में हो तो कि हर एक नेता को अपनी जीविका चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और नहीं कर सकता तो उसको जरूरत नहीं है नेता बनने की। हम तो नहीं कहने जा रहे हैं कि आप नेता बनिए हमारे। और हिंदुस्तान की बड़ी विचित्र व्यवस्था है कि इस देश में जिस आदमी को आप किसी स्कूल में पटा वाला नहीं बना सकते क्योंकि उसके पास 4 क्लास पास का सर्टिफिकेट नहीं है, उसको आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं गुजरात का, उसको आप हिंदुस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बना सकते हैं, उसको हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं, राष्ट्रपति भी बना सकते हैं। माने जिस आदमी में स्कूल के पटा वाला होने की लायकियत नहीं है वो हिंदुस्तान का राष्ट्रपति हो सकता है। बड़ा विचित्र देश है। जो आदमी कहीं दुकान नहीं चला सकता
जिसने जिंदगी में कभी व्यापार नहीं किया उसको आप व्यापार मंत्री बना सकते हैं, जिसको फाइनेंस का एबीसीडी नहीं आता उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना सकते हैं, जिसको कुछ नहीं आता उसको चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। बड़ा विचित्र देश है। दूसरों से हम बात करेंगे कि गुणवत्ता को देखना चाहिए, क्वालिटी को देखना चाहिए। मैं लोगों से जब चर्चा करता हूं कि स्वदेशी वस्तु को वापरो तो कहते हैं स्वदेशी वस्तु में क्वालिटी नहीं है। इन नेताओं में कौन सी क्वालिटी है जिनको आप सिर पर बैठा के रखते हैं? आप बताओ किसी एक में कोई क्वालिटी है? कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिनको आप सिर पर बैठा के रखे हुए हैं, जिनके लिए 18 अरब रुपया रोज का आप अपने खून पसीने की कमाई में से खर्च कर रहे हैं? इतना सारा पैसा जो हम प्रशासन व्यवस्था पर खर्च करते हैं, अगर यही पैसा गरीबों पर खर्च करना हम शुरू करें, बेकारों की फौज पर खर्च करना शुरू करें, हिंदुस्तान की गरीबी बेकारी का प्रश्न 5 बरस में से बच सकता। मतलब क्या है, मैं कहना यह चाहता हूं कि हिंदुस्तान का ये जो राजतंत्र है या जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं, ये गरीबी और बेकारी की जड़ है, ना कि हमारी जनसंख्या गरीबी और बेकारी की। जनसंख्या को दोष मत दीजिए, लोगों को दोष मत दीजिए, व्यवस्था खराब है हमारी, लोग खराब नहीं है। लोग तो इतने अच्छे हैं शायद ही दुनिया में कोई देश में नहीं, इतने अच्छे लोग इस देश में। कभी भी टैक्स बढ़ जाए क्यों नहीं करते, कभी भी बिजली का भाव बढ़ जाए क्यों नहीं करते, कभी भी रोड टैक्स बढ़ गया क्यों नहीं करते, और रोड टैक्स ऊपर से देते हैं और टोल टैक्स और देते हैं। बड़ा विचित्र है। मुंबई से आओ अहमदाबाद तो रास्ते भर में कितनी जगह आपको टोल देना पड़ेगा वो तो है ही, और रोड टैक्स और देना वो है अलग से। जब रोड टैक्स दे दिया फिर टोल टैक्स की क्या जरूरत है? रोड टैक्स अलग से दो, टोल टैक्स उसके ऊपर से, माने टैक्स के ऊपर टैक्स दो। फिर भी कोई चू नहीं करता, फिर भी कोई बगावत नहीं करता। इससे ज्यादा सीधे लोग दुनिया में कहां मिलेंगे आप जरा बता दो। और आजादी के बाद के ये नेता अपना घर भरने के लिए, अपना परिवार भरने के लिए देश को दांव पर लगा सकते हैं, देश की असमत को दांव पर लगा सकते हैं, देश के स्वाभिमान से सौदा कर सकते हैं, देश के आत्मसम्मान को भी देख सकते हैं। तो कितना बड़ा फर्क है 1947 से पहले के भारत में और 1947 के बाद के भारत में। इसलिए मैं कई बार तो लोगों से कहता हूं कि आजादी आई है लेकिन वो कहीं खजूर में अटक गई है, गिरी जरूर लेकिन खजूर में अटक गई, हम तक नहीं पहुंचे। आजादी हमने कहां देखी? हम तो वही भ्रष्टाचारी भारत देख रहे हैं जो अंग्रेजों के जमाने में था। मेरे पास 1930 के कुछ दस्तावेज हैं। 1930 में हमारे यहाँ संसद चला करती थी और संसद की यही बिल्डिंग हुआ करती थी जो आज भी है। 1930 के दस्तावेज हैं जिसमें भारत सरकार ने बजट पेश किया। भारत सरकार माने अंग्रेजों की सरकार। तो अंग्रेजों का वायसराय बजट पेश कर रहा है। 1930 की घटना बता रहा हूं आपको। 27 फरवरी 1930 का दिन संसद में बजट पेश किया जा रहा है। तो बजट क्या है वो आपको बताता हूं। 130 करोड़ रुपए का बजट है, आप जरा ध्यान से सुनना, 1930 के आंकड़े हैं। 130 करोड़ रुपए का टोटल बजट है जिसमें से 110 करोड़ रुपया पगार का खर्चा है। 1930 की बात बताता हूं। तो जब अंग्रेजों का शासन चलता था तो 130 करोड़ के बजट में 110 करोड़ रुपया पगार का खर्चा होता था। अब काले अंग्रेजों का शासन चलता है, आप देख लो, 3.5 लाख करोड़ के बजट में या 3,80,000 करोड़ के बजट में 80% खर्चा पगार या विदेशी कर्जे के ब्याज का खर्चा। कोई फर्क नहीं है आजादी के पहले के भारत में और आजादी के बाद के भारत। आजादी के पहले भी बजट का पैसा विकास पे खर्च नहीं हुआ कभी भी, आजादी के बाद भी नहीं हुआ। पगार का ही खर्च सबसे बड़ा खर्च है, और जो व्यवस्था अपने पगार पे ही अपनी आमदनी खर्च कर ले वो व्यवस्था बहुत दिन चलती नहीं है, वो टूट जाती है, डूब जाती है। वैसे ही हिंदुस्तान की व्यवस्था टूट रही है और डूब रही है। अब तो हिंदुस्तान की सरकार की यह हालत हो गई है कि पगार का खर्चा निकालने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। कोई भी प्रदेश की सरकार समय से अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है, कोई भी प्रदेश की सरकार। महाराष्ट्र में देखो या गुजरात में, आंध्र प्रदेश में देखो या तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में देखो या आसाम में, हर प्रदेश की सरकार अपने कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं दे पा रही। महाराष्ट्र की तो ये हालत है जो हिंदुस्तान का नंबर एक प्रदेश हुआ करता था, इंडस्ट्रियल स्टेट माना जाता था। वहां की सरकार फरवरी के महीने की पगार अभी जुलाई में दे रही है, मार्च के महीने की पगार अगस्त में मिलेगी, अप्रैल के महीने की पगार सितंबर में आएगी, मई के महीने की पगार अक्टूबर में मिलेगी।
ये हालत महाराष्ट्र, गुजरात की हालत इससे कोई बहुत बेहतर नहीं, उत्तर प्रदेश के इससे भी ज्यादा खराब, बिहार की कल्पना नहीं कर सकते आप वहां के हालात। बिहार में तो तीन तीन बरस की पगार इस बरस मिली, तीन बरस जूनी पगार इस साल मिली है बिहार में। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स को और टीचर्स को तीन बरस पहले की पगार इस बरस दिया है बिहार सरकार। ये स्थिति हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों, अब पगार के लिए भी कहीं से कर्ज लेना पड़ता है सरकार को, माने हम जो टैक्स दे रहे हैं उस टैक्स में से पगार भी पूर्ति नहीं पड़ रही है, उसके लिए भी कहीं से कर्ज लेना पड़ रहा है। तो आखिर ये टैक्स का पैसा जा कहां रहा? आप जो टैक्स दे रहे हैं, मैं जो टैक्स दे रहा हूं, टैक्स का सारा पैसा हिंदुस्तान की सरकार कर्जे के ब्याज में चुका रही है। हमारे हिंदुस्तान सरकार का एक साल का जो कुल आमदनी है लगभग उसका 50% कर्जे के ब्याज में चला गया, और जिस देश की आमदनी का 50% कर्जे के ब्याज में जाए वो देश का विकास कैसा होगा वो आपकी कल्पना में आप ले सकते हैं। ऐसी परिस्थिति देश में, कर्ज के लिए ब्याज, ब्याज के लिए कर्ज, ऐसे दुष्चक्र में हम फंसे, और कोई कोई सरकार तो पुराने ब्याज के लिए नया कर्ज, ऐसी परिस्थिति नहीं है। कोई कोई समय ऐसा भी आया है इस देश में जब सरकारों के पास एक पैसा नहीं बचा खजाने में, तो जो रिजर्व फंड है गोल्ड का, सोने का, वो बेचा है सरकारों। 1991 में चंद्रशेखर ने 20 मीट्रिक टन सोना बेचा था, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव ने 47 मीट्रिक टन सोना बेचा। ऐसी परिस्थिति देश में, ऐसी भयंकर आर्थिक परिस्थिति है। उसके बाद एक दूसरा हिस्सा और है इस देश का, हिंदुस्तान की सरकार रोज भाषण करे, हर साल भाषण करे, और आप उसके भाषण में देखो, वो चाहे 15 अगस्त का हो या 26 जनवरी का, हर सरकार ये कहती है कि हम रोजगारी बढ़ाएंगे, रोजगारी बढ़ाएंगे, रोजगारी बढ़ाएंगे, लेकिन 10 बरस से लगातार रोजगारी इस देश में कम हो गई, हर बरस रोजगारी कम हो गई। 1991-92 में जितने कारखाने हमारे देश में चलते थे उसमें आज 6.5 लाख कारखाने कम हो चुके हैं, माने 1991 से 2002 तक हिंदुस्तान के 6.5 लाख कारखाने बंद हो चुके हैं। रोजगारी बढ़ नहीं रही है, लगातार कम हो। आप जाओ गुजरात में कोई भी जीआईडीसी में घूम कर आओ, मेहसाणा की जीआईडीसी हो या हल्लोल की, कलोल की जीआईडीसी हो या अहमदाबाद की, वडोदरा की हो या सूरत की, कोई भी जीआईडीसी में घूम कर आओ, 70% फैक्ट्रियां बंद, कहीं 80% फैक्ट्रियां बंद, कहीं 85% फैक्ट्रियां बंद। और फैक्ट्रियां ये बंद क्यों हो रही है इतनी बड़ी संख्या में? अहमदाबाद की सब कापड़ मिलें बंद पड़ी है, सूरत में कापड़ मिलें बंद हो रही है, मुंबई की कापड़ मिलें बंद हो रही है, भारत में लगभग 750 कापड़ मिलें चला करती थी, उनमें 400 अभी बंद है। क्यों बंद हो रही है कापड़ मिलें, क्यों बंद हो रही है हमारी फैक्ट्रियां? बटवा के पास जाओ अहमदाबाद में, सब फैक्ट्रियां जो कभी केमिकल्स बनाया करती थी बंद पड़ी, वापी में जाओ 2500 फैक्ट्रियां बंद पड़ी, अंकलेश्वर में जाओ, भरूच में जाओ, वहां फैक्ट्रियां बंद पड़ी। कारण क्या है ये फैक्ट्रियों के बंद होने का? सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत देश की सरकार ने पिछले 10-12 वर्षों में अंधाधुंध परदेशी माल को भारत में बुला लिया है, परदेशी माल पर टैक्स भी कम कर दिया है, परदेशी माल पर सारे प्रतिबंध हटा दिए हैं, परदेशी माल पर से रिस्ट्रिक्शन हट गए हैं, अंधाधुंध परदेशी माल भारत में डंप हो रहा है और सस्ती कीमत पर डंप हो रहा है, उसके कारण आपके देश की फैक्ट्रियां बंद हो गई। जब परदेश से कोई सस्ता माल आकर आपके देश के बाजार में बिकेगा तो आपकी फैक्ट्री में बनने वाला स्वदेशी माल टिक नहीं पाएगा, क्योंकि आपके देश के स्वदेशी माल से सस्ता परदेशी माल, और परदेश से आया हुआ माल सस्ता कैसे बिक जाता है? हमारे देश की सरकार ने कस्टम ड्यूटी बहुत कम कर दिया, जो परदेशी माल पर 450% कस्टम ड्यूटी हुआ करती थी वो 40% है, जो परदेशी माल पर 300-350% कस्टम ड्यूटी थी वो 30% हो गई, कोई परदेशी माल पर तो 10-12%, 15% भी है, कोई परदेशी माल पर 0 कस्टम ड्यूटी, हर एक परदेशी माल पे सरकार ने टैक्स कट किया है, कम किया है, इसलिए परदेशी माल सस्ता है। दूसरी तरफ क्या हुआ, जिन देशों से माल आकर भारत में बिक रहा है वहां के देश की सरकारों ने सब्सिडी बहुत बढ़ा दिया है, चाइना की सरकार ने एक्सपोर्ट सब्सिडी बढ़ा दिया, अमेरिका की सरकार ने उससे भी ज्यादा बढ़ा दिया, जापान में सब्सिडी बढ़ा दिया, यूरोपीय देशों ने सब्सिडी बढ़ाया, अब वहां सब्सिडी बढ़ रही है एक्सपोर्ट के नाम पर और यहां सरकार सब्सिडी खत्म कर रही है या कम कर रही है, और दूसरा यूरोप और अमेरिका में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक का वो बहुत ही कम है, इस समय नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5% है पूरे अमेरिका और यूरोप,
और यहाँ जो नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12 से 14% के बीच में है। माने आप अगर धंधा करना चाहो, किसी बैंक से कर्ज लेना चाहो, तो 12 से 14% का ब्याज देना पड़ेगा। अमेरिका में कोई धंधा करे तो 1.5% ब्याज पर अब्जो डॉलर का कर्ज मिलेगा। तो वहां 1.5% ब्याज पर अब्जो डॉलर वो लेके आए और हिंदुस्तान में कुछ ना करे, भारत के बैंक में ही पैसा जमा कर दे और उसको यहाँ पैसा मिल जाए 9% का भी अगर, तो वो तो रिटर्न ही रिटर्न ले जाएगा बिना पैसे का धंधा, बिना इन्वेस्टमेंट का। उनके यहाँ बैंक का रेट बहुत कम है, उनके यहाँ सब्सिडीज बहुत ज्यादा है, उनके यहाँ बिजली का भाव दुनिया में सबसे कम है। चाइना में अगर आप एक्सपोर्ट करने के लिए माल बनाए तो न्यू पैसा यूनिट की बिजली बड़े आराम से ले जाते हैं। और यहाँ गुजरात में आप कोई भी धंधा करें 4.5-5 रुपए यूनिट की बिजली आपको ना मिले, तो परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। और हमारे देश में हमारे नेता हमको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिशन करो चाइना के साथ। कॉम्पिटिशन हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड पे हुआ करता है। कॉम्पिटिशन वहां नहीं होता कि एक देश में न्यू पैसा यूनिट की बिजली है और दूसरे देश में 5 रुपए यूनिट की बिजली है, कहां से कॉम्पिटिशन करेंगे। एक देश में 1.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरे देश में 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कैसे कॉम्पिटिशन करेंगे। तो कॉम्पिटिशन तो हो नहीं रहा, तो उनका अंदाजों तो सस्ते से सस्ता माल आके डंप हो रहा है। हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद हो रही और फैक्ट्रियां बंद हो रही है तो मजदूर बेकार हो रहे हैं, मजदूर बेकार हो रहे हैं तो बेकारी बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है तो परचेजिंग कैपेसिटी कम हो रही है, परचेजिंग कैपेसिटी कम हो रही है तो डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है तो मंदी आ रही है, भयंकर मंदी में फंसा हुआ है। जो मंदी आजादी के 50 साल कभी किसी ने कल्पना नहीं की वो मंदी इस समय भारत में चल रही, इतनी भयंकर मंदी है। वो चाहे बाल बनाने वाला, सैलून चलाने वाला नाई हो या टाटा बिरला डालमिया जैसा कोई बड़ा उद्योगपति, सब चिल्लाते हैं भयंकर मंदी है, भयंकर मंदी। अभी लोगों से बात करो कि मंदी क्यों है तो वो कहते ये नहीं समझता लेकिन मंदी है। कोई कोई लोग थोड़ा बहुत समझते थे वो कह देते राजीव भाई अमरीका में मंदी है इसलिए हमारे यहाँ मंदी है। हमारा मंदी और अमरीका का मंदी जमीन आसमान का फर्क। अमरीका में मंदी इसलिए है कि वहां कंजम्पशन की एक लिमिट है वो पूरी हो चुकी, इससे ज्यादा कंजम्पशन हो नहीं सकता। हमारे यहाँ कंजम्पशन की लिमिट थोड़ी पूरी हुई है, हमारे यहाँ जो लोग कंज्यूम कर रहे थे उनकी परचेसिंग कैपेसिटी गिर गई, जो लोग बाजार में माल खरीदने की ताकत रखते थे उनकी जेब में पैसा नहीं है क्योंकि बेकारी इतनी बढ़ी है पिछले 10 वर्ष, इसलिए मंदी आई। और इस मंदी में लाखों करोड़ों रुपया लोगों का डूब गया। और एक और मंदी का बहुत बड़ा कारण हमारे देश में है वो है शेयर बाजार। आप जानते हैं कि दुनिया में ये सबसे खतरनाक चीज है जिसको शेयर बाजार कहते हैं। ये शेयर बाजार इतनी खतरनाक चीज है, लाखों करोड़ों रुपया ये डका जाता है पता ही नहीं चलता है। और शेयर बाजार में डूबा हुआ कोई भी पैसा कभी किसी प्रोडक्ट के काम में आता नहीं। लोग शेयर खरीदते हैं ये कल्पना करके कि किसी दिन हम करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है कि वो 1 मिनट में ही करोड़पति भी हो सकते। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके बारे में सारे दुनिया के लोग कहते थे, जैसे वर्ल्डकॉम के बारे में सारी दुनिया में बोलकर ढोल पीट पीट के कहा जाता था देखो कैसी कंपनी है, आज शेयर $5,000 फिर उसके भी आगे फिर उसके भी आगे। एक दिन क्या हुआ, वर्ल्डकॉम का भवन ध्वस्त हो गया, पूरा पैसा डूब गया। और वर्ल्डकॉम के चक्कर में हिंदुस्तान के भी कई उद्योगपति डूब गए जिनका पैसा वर्ल्डकॉम में था। आज वर्ल्डकॉम का नाम लेने वाला दुनिया में, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां डूब रही हैं, उनका शेयर मार्केट का इंडेक्स इतना तेजी से गिर रहा है जितना 50 साल में कभी गिरा नहीं उनके देश। अमेरिका के करोड़पति रोडपति हो गए, कई हिंदुस्तानी जो अमेरिका में एक बरस पहले तक करोड़पति हुआ करते थे वो आज वो सड़क पर खड़े, किसी होटल में बैरे की नौकरी करे, कई डिपार्टमेंटल स्टोर में पैकिंग का काम करे, ऐसे हालत हो गए हिंदुस्तानियों के जो अमेरिका में। शेयर बाजार कभी भरोसे की चीज नहीं, लेकिन उसी में सबसे ज्यादा पैसा लगाया गया। लोगों को ऐसा लालच है मन में कि यहाँ रातों रात करोड़पति होते हैं, जहां रातों रात करोड़पति होते हैं वहां 1 मिनट में रोडपति भी होते हैं, ये दोनों ही साइड है उसके। और आप जानते हैं कि शेयर बाजार का इन्वेस्टमेंट कभी भी किसी देश में ना तो उत्पादन बढ़ाता है, ना रोजगारी लाता है, ना किसी देश के ग्रोथ रेट को बढ़ाता है। शेयर बाजार का सारा इन्वेस्टमेंट जो होता है एक सट्टे की तरह से होता है, एक जुए की तरह से होता है, जिसका देश की अर्थव्यवस्था में 1% भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, वो ही हमारे देश में लाखों करोड़ों रुपया खून पसीने की कमाई का शेयर बाजार में लोगों का डूबा है, इसने भी मंदी को और बढ़ाया।
अब लोग कहते हैं कि राजीव भाई भयंकर मंदी है, आर्थिक स्थिति देश की बहुत खराब है, क्या करना चाहिए, कोई विकल्प है क्या? इतनी भयंकर बीमारी देश को लग गई है जो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है, इसके बारे में आपके पास कोई विकल्प है क्या? मैं लोगों से बहुत विनम्रता से कहता हूँ कि भाइयों, दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान। भारत में इतनी सारी समस्याएं हैं, आर्थिक है, राजनीतिक है, इन सभी समस्याओं का समाधान भी है। हर एक समस्या का समाधान होता है। महत्व की बात यह है कि समाधान ढूंढने वाले में संकल्प कितना बड़ा, ये महत्व की बात। भारत की कितनी भी बड़ी भ्रष्टाचार की समस्या हो, कितनी भी बड़ी भारत की आर्थिक कठिनाई की समस्या हो, इन सभी समस्याओं का समाधान है। प्रश्न ये है कि आप में और मुझ में संकल्प कितना है इन समस्याओं के समाधान को ढूंढने का और उन पर चलने का और आचरण में लाने का। हिंदुस्तान की भ्रष्टाचार की समस्या, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा कि स्विस बैंक में लाखों करोड़ों रुपया डूबा है, लोग पूछते हैं इसका क्या समाधान है? इसका बहुत सरल और सीधा समाधान है। समाधान ये है कि भारत के नेताओं ने जो पैसा लूटा है स्विस बैंक में ले जाकर जिसको जमा किया हुआ है, आप जानते हैं वो सारा का सारा ब्लैक मनी है। स्विस बैंक के कानूनों के बारे में अगर आप पता लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्विस बैंक में ब्लैक मनी ही रखा जाता है, व्हाइट मनी कभी रखा नहीं जाता। तो भारत का जो पैसा स्विस बैंक में जमा है आज वो ब्लैक मनी है। अगर हम उस कानून को, उस नियम को जो स्विस बैंक ने बना रखा है अपने यहाँ, अपने देश के हित में प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, तो ये सारा पैसा जो स्विस बैंक में डूबा हुआ भारत में आ सकता है। स्विस बैंक का नियम कानून क्या है, मैंने आपसे कहा कि वहां सिर्फ ब्लैक मनी रखा जाता है, व्हाइट मनी कभी नहीं रखा जाता। तो हमारा जो पैसा इस समय स्विस बैंक में डूबा हुआ है, अगर इस पैसे को हम व्हाइट मनी डिक्लेयर करें तो ये सारा पैसा भारत में वापस आ सकता है। और व्हाइट मनी डिक्लेयर करने के लिए क्या करने की जरूरत है, आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा हमारी संसद ने एक कानून बनाया था जिसका नाम है पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा। पोटा नाम का कानून जब बना तो संसद का संयुक्त अधिवेशन हुआ, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर इकट्ठी हुई और उसके बाद कोटा पर बहस हुई, बहस पूरे देश ने टेलीविजन पर देखी। अगर इसी तरह का एक जॉइंट सेशन किया जाए संसद का और राज्यसभा लोकसभा दोनों का, और उस अधिवेशन में ये बहस किया जाए कि स्विस बैंक में रखा हुआ जो पैसा है वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, वो व्हाइट मनी है, वो नेशनल प्रॉपर्टी है, और उस पर वोट ले लिया जाए, और समर्थन में अगर ज्यादा वोट पड़ जाए तो सारा का सारा पैसा स्विस बैंक से वापस आ सकता है। अगर हमारे देश के लोग, जो आप जैसे मेरे जैसे करोड़ों की संख्या में, भारत सरकार को मजबूर कर कि आप संसद में कानून लाइए और जिस तरह से आपने पोटा अधिनियम बनाया वैसे स्विस बैंक के पैसे को नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर करिए, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करिए, व्हाइट मनी डिक्लेयर करिए, सारा का सारा पैसा स्विट्जरलैंड से वापस आ जाएगा। क्योंकि स्विस बैंक में नियम है वहां व्हाइट मनी नहीं रखी जा सकती, नेशनल प्रॉपर्टी नहीं रखी जा सकती, वहां सिर्फ ब्लैक मनी रखी जाती है, पर्सनल प्रॉपर्टी रखी जाती है। तो उनके नियम का फायदा उठा लो, कानून बना दो, देश की संसद उस कानून को बनाने में सक्षम है, वो कानून बन जाए, कानून पर बहस हो जाए, बहस के बाद वोट पड़ जाए, वोट अगर ज्यादा पड़ जाए समर्थन में तो कानून बन ही जाएगा, पैसा वहां से आ जाएगा। और 48 लाख करोड़ रुपए अगर आ जाए तो आप उस पैसे को ऐसा करो गरीबों को लाइन लगा के बांट दो, 4.5-4 लाख रुपया हर गरीब को मिल जाएगा, दे दो और कहो कि तुमको जो करना कर, कुछ नहीं कर सकते तो बैंक में डिपॉजिट ले। और अगर गरीबों को नहीं बांटना चाहते तो भारत माता के नाम से फिक्स डिपॉजिट कर दो, और भारत माता के नाम से फिक्स डिपॉजिट कर दो तो एक बरस का ब्याज इतना है कि पूरे देश का बजट उससे चल जाएगा, किसी से टैक्स लेने की जरूरत नहीं है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को जीरो टैक्स बना दो। आज हम हिंदुस्तान में सेंट्रल एक्साइज लेते हैं, सेल्स टैक्स लेते हैं, टोल टैक्स लेते हैं, रोड टैक्स लेते हैं, इनकम टैक्स लेते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स लेते हैं, कैपिटल गेन टैक्स लेते हैं, टैक्स पर टैक्स लेते हैं, कोई ऐसी स्थान नहीं जो बिना टैक्स के हो इस देश में। मनोरंजन पे भी टैक्स है इस देश में, दुनिया में बड़ा विचित्र देश है। एंटरटेनमेंट करो उसका भी टैक्स हुआ, माने मजा लो उस पर भी टैक्स है, आप आनंद भी नहीं ले सकते बिना टैक्स के, ये बड़ा विचित्र देश है। थोड़े दिन में आप कहोगे मैं थूक रहा हूं इस पे भी टैक्स दे दो, मैं सांस ले रहा हूं इस पे भी टैक्स दे दो, क्योंकि टैक्स की तो कोई लिमिट नहीं है हमारी।
जो देश में मजा लेने पे मनोरंजन करने पे टैक्स लगता हो उस देश में थूकने पे भी लग जाएगा, कोई नहीं चलने पे भी लगा देंगे। मैं अभी एक दिन मद्रास गया था, रेलवे स्टेशन के बाहर निकला, यूरिनल में गया, यूरिनल से बाहर जैसे ही निकला तो एक आदमी आ गया, कहने लगा 2,000 रुपए टैक्स। मैंने कहा भाई क्यों? तो उसने कहा यहाँ मुसरे पे भी टैक्स। तो मैंने कहा किसने लगाया? कि हमारे लगा दिया जेल चलता। मद्रास स्टेशन के बाहर जो यूरिनल लगा है उसमें अगर आप जाओगे 2 रुपए टैक्स देना पड़े। तो नेताओं को कोई भरोसा नहीं कि पेशाब करो उस पर भी टैक्स दे दो, चल रहे हो इस पर भी टैक्स दे दो, थूक रहे हो इस पर भी टैक्स दे दो। तो ये सारे के सारे टैक्स लगा रहे हैं नेताओं का क्या कहना है? इसी से विकास हो रहा है। मैं ये कहता हूँ कि भाई विकास करना है तुमको पैसा चाहिए, टैक्स लेना बंद कर दो, स्विस बैंक में रखे हुए पैसे को भारत में बना दो, इसी पैसे को बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डाल दो, इसका एक साल का ब्याज ही इतना है कि पूरे देश का बजट चल जाए, टैक्स लेने की जरूरत है। और हिंदुस्तान में आज आप पूरी इकोनॉमी को जीरो टैक्स करो और 5 साल के बाद यह देश अगर न सोने की चिड़िया हो जाए तो आप जो कहो मैं हारने को तैयार हूं। मात्र 5 साल में यह देश सोने की चिड़िया हो जाए। कैसे हो जाएगा? आप कल्पना करो, इनकम टैक्स नहीं है, सेल्स टैक्स नहीं है, ऑफ्रॉ नहीं है, टोल टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, फिर कौन सा उद्योगपति और व्यापारी चुप बैठेगा जरा बता दो? किसी के पास एक फैक्ट्री है तो 10 लगाएगा, 10 है तो 100 लगा देगा, 100 है तो 1,000 लगा देगा। माने जिसके पास जितना पैसा है एक साथ इन्वेस्ट करेगा और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अगर प्रोडक्शन में आ जाए तो हिंदुस्तान की प्रोडक्टिविटी को कौन रोक पाएगा? और हमेशा प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को बढ़ाएगी, ग्रोथ लाएगी तो फिर बहुत सारा असेट्स भी पैदा होंगे, संपत्ति आएगी, फिर उसका डिविजन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो ये काम रह जाएगा, बाकी तो कोई बड़ा काम है। तो बहुत आसान समाधान, कोई मुश्किल नहीं। अब प्रश्न यह है कि अगर संसद में यह कानून बन सकता है तो यह संसद सभ्य बनाते क्यों नहीं? इसलिए नहीं बनाते कि आप कभी कहते नहीं, आप कहो देखो कानून बनता है क्यों? हिंदुस्तान के जिस दिन 1 करोड़ लोग ये मांग करने लगेंगे कि वोट आपको तब मिलेगा जब स्विस बैंक के पैसे को राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर करो, हिंदुस्तान की हर पार्टी शुतुरमुर्ग की तरह से आपके सामने खड़ी हो जाएगी, आप कहोगे वो करेगी। हिंदुस्तान में जब छोटे छोटे मुद्दों पे वोट मिल सकता है, मैं कल नखत्राणा था, आपको सुनाऊं, नखत्राणा में मुझे भाई ने कहा कि राजीव भाई यहाँ ये नखत्राणा है बड़ा विशेष गांव है। मैंने कहा क्या गांव? उन्होंने कहा इस गांव में 40 साल से टाउन हॉल बन रहा है, 40 साल से टाउन हॉल बन रहा, 40 साल से। मैंने कहा कहाँ बना? बना वाला नहीं है, बन रहा। तो मैंने कहा जगह दिखा दो, जगह कोई नहीं है, कल्पना में बन रहा। तो मैंने कहा कैसे बनता? तो उसने कहा जो भी धारा सभ्य आता है वो कह के जाता है कि मुझे वोट दे दो, मैं टाउन हॉल बनाता हूँ। और 40 साल हो गया हर एक धारा सभ्य टाउन हॉल बना रहा है, आज तक टाउन हॉल बन नहीं पाया। नखत्राणा ऐसा विचित्र शहर। एक दूसरे भाई ने मुझे कहा नखत्राणा की सभा में कि राजीव भाई अभी एक बात और सुनो कि जब यहाँ धारा सभ्य चूंकड़ी में आता है तो टाउन हॉल बन पाता, और यहाँ का सरपंच जब चूंकड़ी में खड़ा होता है तो बस स्टैंड बन पाता है, और वो भी 40 साल से बन रहा। हर सरपंच का मुद्दा है बस स्टैंड बनाऊंगा वोट दे दो, और नखत्राणा की जनता इतनी भोली भाली की दे देती है 40 बरस से ये चल रहा है और 40 बरस से टाउन हॉल भी बन रहा है। तो अब जनता ही अगर ऐसी है अपनी तो अब तो जनता को बदलने की जरूरत है। ये नेता तो 2 मिनट में सीधे हो जाएंगे, आप जरा सीधे चलना शुरू कर दो, आप हिंदुस्तान के नेताओं से हिसाब मांगना शुरू कर दो, हिंदुस्तान के नेताओं का कान पकड़ना शुरू कर दो, ये सब सीधे हो जाए। आप उनसे कहो कि तुमको वोट चाहिए, भले तुम भाजपा के हो या कांग्रेस के, हजूरिया के हो या खजूरिया के, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है कि स्विस बैंक में रखा हुआ पैसा राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर करोगे या नहीं, करोगे तो वोट मिलता है, नहीं करोगे तो हम नहीं बोलते। देखो आप ये होता है, और इसके लिए करना क्या है? कोई एक भी संसद सभ्य तैयार हो जाए, विधेयक पेश कर दे, विधेयक पर बहस हो जाए, वो बहस आप देख लो टीवी पे आएगी और देख लेना कौन कौन संसद सभ्य विरोध कर रहा है। जो विरोध कर रहा है बस उसी का पैसा स्विस बैंक में सीधी सी कहानी, कोई बहुत मगजमारी करने की जरूरत नहीं।
जो विरोध करे उसी का पैसा स्विस बैंक में, सीधी सी बात, और जो समर्थन करे उसका नहीं। पता चल जाए कौन भ्रष्टाचारी कौन ईमान। हमने आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाया है। इस समय मैं मेरे देश के हजारों मेरे जैसे कार्यकर्ता गांव गांव में लाखों लाखों लोगों से सही ले रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम दो तीन लोगों सही लेने के बाद संसद के सामने ये बात ले जाने वाले हैं और संसद से अपील करने वाले हैं कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की मांग है स्विस बैंक के पैसे को राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर करो। अब तक जो पैसा हिंदुस्तान से बाहर गया है वो सारा पैसा भारत की संपत्ति है, बस कानून से उसको राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर कर लो। वो पैसा एक बार हम राष्ट्रीय संपत्ति जाहिर करें तो उससे देश का बहुत सारा विकास का काम हो सकता है, गरीबी भुखमरी दूर हो सकती है। आप पूछोगे दुनिया के कभी किसी देश ने ऐसा किया? चार देश ऐसा कर चुके। एक ज़ेरे नाम का छोटा सा देश है अफ्रीका, उसने किया। फिलीपींस नाम का एक देश है, उसने किया। पाकिस्तान नाम का आपका पड़ोसी देश है, उसने भी किया। और अब तो एक नया पड़ोसी देश नेपाल ने पिछले साल नवंबर में किया। पिछले साल 19 नवंबर 2001 को नेपाल की सरकार ने संसद में विधेयक लाया और वो विधेयक ये था कि जब से नेपाल में राजाशाही खत्म हुई, गणतंत्र आया, लोकतंत्र आया, डेमोक्रेसी आया, उस दिन से लेकर आज तक जितना भी पैसा स्विस बैंक में गया वो नेपाल की राष्ट्रीय संपत्ति है। 19 नवंबर को ये विधेयक नेपाल की संसद में पेश हुआ, 23 नवंबर को इस पर वोट हुआ। वोट में चार सांसदों ने विरोध में डाला, बाकी सब ने समर्थन में डाला। पता चल गया इन्हीं चार सांसदों का है। बाद में वो कानून बन गया, कानून बना। स्विस बैंक ने एक हफ्ते के अंदर नेपाल की सरकार को $5 अरब दिया, एक हफ्ते के अंदर, विदिन वन वीक। अब नेपाल जैसा छोटा देश ये कर सकता है जिसकी आबादी आपके प्रदेश की आबादी से भी कम है, गुजरात की आबादी नेपाल से ज्यादा। तो इतना छोटा देश नेपाल कर सकता है जो 105 करोड़ की बस्ती वाला भारत को नहीं कर सकता। ये संकल्प चाहिए। मैंने आपसे कहा दुनिया में कोई काम असंभव नहीं होता, हर काम संभव होता है, काम करने वालों का संकल्प कितना बड़ा है ये तय करता है। आप संकल्प कर लो, मैं संकल्प कर लूं ये काम हिंदुस्तान में आज नहीं तो दो साल बाद नहीं तो 5 साल बाद हो नहीं माना, संकल्प की बात। आज मैंने संकल्प किया है, मेरे जैसे 12,000 कार्यकर्ताओं ने किया, कल 1 लाख हो जाए, फिर 12 लाख हो जाए, किसी दिन 1 करोड़ हो जाए, ये हो नहीं पाता, असंभव नहीं है। ये सब संभव। एक दूसरा निवेदन, एक बार भारत देश के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया। आप याद करो जब यूरिया घोटाला हुआ, 133 करोड़ रुपए का घोटाला था, सारा पैसा स्विस बैंक में जमा हुआ, एक नया पैसा यूरिया भारत में नहीं आया। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट किया था कि सारा का सारा पैसा जो यूरिया घोटाले में भारत से बाहर गया वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। और आपको माहिती है दो किश्तों में 133 करोड़ रुपए स्विट्जरलैंड से वापस भारत में आया। एक बार 117 करोड़ रुपए आया, दूसरी बार 16 करोड़ रुपए आया, पूरा पैसा भारत में आया। अब यूरिया घोटाले का पैसा आ सकता है तो चारा घोटाले का भी आ सकता है, बोफोर्स घोटाले का भी आ सकता है, गेहूं घोटाले का भी आ सकता है, कोई भी घोटाले का पैसा। और सीधा सा सिद्धांत है, यूरिया घोटाले का पैसा राष्ट्रीय संपत्ति तो सब घोटाले का पैसा राष्ट्रीय संपत्ति। करने वाले लोग चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में ये किया, सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई जाए तो ये हो सकता है। हमने संकल्प किया है कि हम जाएंगे, और हम कैसे जाएंगे? करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर देकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये लगना चाहिए कि हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, हम कोई हंसी नहीं कर रहे हैं, करोड़ों लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसमें ग्रेविटी दिखनी चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हाँ इस बात के लिए ये लोग गंभीर है। तो सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट दे सकते, तो या तो संसद ये काम करे नहीं तो सुप्रीम कोर्ट करे, दोनों ही रास्ते से हम ये काम करा सकते। और हिंदुस्तान के बहुत सारे पैसे की व्यवस्था जो हमें परदेश से कर्जे के रूप में करनी पड़ती है वो सारा पैसा हम हमारे देश में अपने से जुटा सकते। दूसरा एक और विकल्प है इसका, हमारे देश के अंदर जो काला धन है जिसको इंटरनल ब्लैक मनी कहते हैं उससे भी देश का बहुत विकास हो सकता है। आप जानते हैं कि भारत देश में इस समय 10 लाख करोड़ रुपए का काला धन है देश के अंदर, बाहर की बात नहीं करता। और ये 10 लाख करोड़ का काला धन कहां से हुआ है? ये हुआ है इनकम टैक्स के कानून के कारण। इनकम टैक्स नाम का एक कानून है हमारे देश में, वो ये कहता है कि आपने अगर 100 रुपया कमाया तो उसमें से 35 रुपए आप टैक्स में दे दो तो 65 रुपए आपका व्हाइट मनी है, और अगर आपने नहीं दिया तो पूरा का पूरा 100 रुपया ब्लैक मनी है।
ये है इनकम टैक्स का कानून। अब आप मुझे बताओ दुनिया में कौन सा नोट ब्लैक एंड व्हाइट होता है? मनी तो मनी है, ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं। कोई नोट मैंने ऐसा नहीं देखा जिसपे आधे पे लिखा हो ब्लैक और दूसरे आधे पे लिखा हो व्हाइट। नोट तो नोट, मनी तो मनी, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। ये तो कानून ऐसा है जो कुछ धन को ब्लैक बनाता है, कुछ को व्हाइट बनाता है। और ब्लैक कैसे और व्हाइट कैसे है? 100 रुपए आप कमाओ, 35 रुपए सरकार को दो तो 35 तो बचा हुआ जो 65 है वो व्हाइट है, और नहीं दिया तो पूरा 100 ब्लैक है। और इसी के चलते 10 लाख करोड़ रुपए आता है ब्लैक मनी का। और ये क्यों आता है? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी ताकत लगा के भी टैक्स नहीं वसूल पाता। कारण उसका ये है कि हिंदुस्तानी आदमी इनकम टैक्स देना पसंद ही नहीं करता। इस देश का आदमी दान दे सकता है, टैक्स नहीं दे सकता। मैं इस देश में ऐसे कई लोगों को जानता हूं और कच्ची लोगों को जानता हूं जो एक दिवस में 1 लाख रुपया दान देते हैं लेकिन इनकम टैक्स कभी नहीं देते। इसी कच्छ के मेरे एक मित्र है, मुंबई में रहते हैं, वो रोज शाम को 1 लाख रुपया दान करते हैं लेकिन इनकम टैक्स की चोरी करने के लिए 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके पास है हमेशा तैयार। वो 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट उनका यही हिसाब करते हैं कि कहां से टैक्स चोरी करना, कैसे बचाना, कैसे चोरी करना, कैसे। एक दिन मैंने उनसे कहा कि आप रोज 1 लाख रुपए दान देते हैं, यही पैसा इनकम टैक्स में क्यों नहीं देते आप? तो बोले राजीव भाई, भारतीय संस्कृति के अनुसार कुपात्रों को कभी दान नहीं दिया जाता। ये सरकार कुपात्र है, इसको मैं 1 पैसा नहीं दे सकता, भले दान में मैं पूरा घर क्यों दूं। तब मेरे समझ में आया हिंदुस्तान का आदमी भारतीय संस्कृति को मानता इसलिए टैक्स नहीं देता। तो मैं तो खुलेआम कहता हूं कि जो टैक्स नहीं देता वो भारतीय संस्कृति वाला, क्योंकि वो अहम गोरों को तो नहीं दे रहा है। और जो टैक्स नहीं दे रहा, आप देखो वो धर्मशाला बना रहा है, वो गौशाला बना रहा है, वो पांजरा पोल बना रहा है, वो तालाब बांध रहा है, वो कुएं खोद रहा है, वो सड़क बना रहा है, वो हॉस्पिटल बना रहा है, वो स्कूल बना रहा है। आप बताओ क्या नहीं कर रहा? बस इतना ही तो है कि हरामखोर नेताओं को नहीं दे रहा है, बाकी कोई भी काम वो कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ठीक ही कर रहा सरकार है जो गलत कानून लेके बैठी हुई। एक दिन थोड़े दिन पहले मैं इनकम टैक्स कमिश्नर्स के कॉन्फ्रेंस में गया, इनकम टैक्स ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस। मैंने उनसे कहा कि आपका डिपार्टमेंट नहीं हो तो भारत में ब्लैक मनी होगा ही। तो कहने लगे क्यों? मैंने कहा इनकम टैक्स एक्ट है इसलिए मनी ब्लैक है, एक्ट हटा दो मनी ब्लैक होगा। आप कानून हटाओ तो मनी कहां से ब्लैक होगा, तो व्हाइट ही व्हाइट है। कह लगे बात तो आपकी सही है, तो मैंने कहा ये डिपार्टमेंट बंद कर दो। तो कह लगे सरकार का खर्चा कैसे चलेगा? मैंने कहा इससे ज्यादा हम दे देंगे। सरकार इनकम टैक्स में 1 साल में जितना लेती है उससे 2-2.5 गुना ज्यादा मैं दिलवा सकता हूं भारत सरकार को, अगर सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद कर दे और दान मांगना शुरू कर दे। क्योंकि हिंदुस्तानी आदमी दान देना पसंद करता है, टैक्स नहीं। आप दान मांगो मिल जाएगा। कारगिल युद्ध हुआ, सरकार ने दान मांगा मिला कि नहीं मिला? गुजरात में धरती कंप हुआ, सरकार ने दान मांगा मिला कि नहीं? उड़ीसा में बाबा जोड़ा आया, सरकार ने दान मांगा पैसा मिला? आप जब भी देखना भारत पर कोई भी विपत्ति आएगी, कोई भी संकट आएगा, इतना पैसा दान में आता है कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह है कि भारत का आदमी दान दे सकता है, टैक्स नहीं देता। तो सरकार दान ही लेना, टैक्स बंद कर दे। तो वो कहने लगे फिर आप चलाएंगे कैसे डिपार्टमेंट को? मैंने कहा बहुत सरल है, देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम बदल दो, इसको दान देने वाला डिपार्टमेंट बना दो, अधिकारियों की ट्रेनिंग बदल दो। अभी ट्रेनिंग दी जाती है टैक्स वसूलने की, फिर ट्रेनिंग दे दो दान मांगने की। और इन अधिकारियों को जब दान मांगने की ट्रेनिंग हो जाएगी तो वो पहले फोन करेंगे, सेठ जी आऊं क्या, आप फुर्सत में हैं, जरा दान चाहिए देश को। आप बताओ जब इतनी विनम्रता से आपसे कोई फोन पे बात करेगा आप कैसे मना करेंगे? बताओ, हिंदुस्तान में विनम्रता से मांगो कुछ भी मिलता है, दादागिरी से एक नया पैसा नहीं मिल सकता। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दादागिरी करता है इसलिए मनी ब्लैक है। अगर ये दादागिरी बंद कर दे कोई मनी ब्लैक हो नहीं सकता इसको। और मैं तो वैसे भी इस बात का हिमायती हूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जितनी जल्दी हो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों का खोला हुआ डिपार्टमेंट है। 1860 में अंग्रेजों ने ये डिपार्टमेंट बनाया, और अंग्रेजों की कल्पना ये थी कि भारत के नागरिकों से ज्यादा टैक्स वसूलना ताकि ये बर्बाद हो जाए,
अंग्रेज आबाद हो जाए, इसलिए ये बनाया, बंद कर रहे हैं डिपार्टमेंट को। और सरकार चलाने के लिए सरकार को पैसा चाहिए तो दान में ले सरकार। एक दिवस मैंने हिसाब जोड़ा कि रोज हर आदमी 2 रुपए भी दान करे देश के लिए, 2 रुपए में चाय का प्याला भी नहीं आता, लेकिन मैं 2 रुपए मान के बात कर रहा हूं। हर व्यक्ति रोज का 2 रुपए दान करे तो एक बरस का दान लगभग 76,000 करोड़ रुपए आता, 76,000 करोड़ रुपीज। और टोटल इनकम टैक्स का कलेक्शन एक वर्ष का मात्र 35,000 करोड़ रुपए है। 35,000 करोड़ सरकार वसूलती है, उसमें लाखों करोड़ का ब्लैक मनी बन जाता है। और मैं कहता हूं कि एक नया पैसा ब्लैक मनी बना होगा, 76,000 करोड़ तो ऐसे ही मिल जाएगा, इनकम टैक्स से 2 गुना ज्यादा। बस करना यह है कि 1961 और 1861 का जो कानून है, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, इसको हटा दो, हिंदुस्तान खुद सोने की चिड़िया हो जाएगा। आप जानते हैं स्विट्जरलैंड के अमीर होने की कहानी का राज क्या है, स्विट्जरलैंड कैसे इतना पैसे वाला देश हुआ। स्विट्जरलैंड के समृद्धशाली होने का एक और एक कारण है, स्विट्जरलैंड में इनकम टैक्स नाम का कोई कानून नहीं है। स्विट्जरलैंड में कोई भी इनकम पर टैक्स नहीं है, इसलिए वो देश इतना समृद्धशाली है। 50 साल पहले स्विट्जरलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब देशों में गिना जाता था, उन्होंने अपने देश का इनकम टैक्स हटाया, आज वो देश समृद्धशाली है। वहां का गरीब से गरीब नागरिक एक वर्ष में जितनी कमाई करता है उतना हिंदुस्तान का कोई एक अच्छा से अच्छा उद्योगपति नहीं करता। तो स्विट्जरलैंड अगर बिना इनकम टैक्स के समृद्धशाली हुआ तो आप क्यों नहीं हो सकते, आप भी। और हमारे यहाँ तो परंपरा है, हमारे यहाँ तो चाणक्य जैसे अर्थशास्त्री हुए जो कहा करते थे कि प्रजा के ऊपर अधिकतम टैक्स 5% होना चाहिए, इससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, अधिकतम 5%, चाणक्य ने कहा। और यहाँ तो टैक्स ही टैक्स, 100% भी हो सकता है, 150% भी हो सकता है, 250% भी हो सकता। तो टैक्सेशन के पूरे सिस्टम को सरकार अगर सरल करे, और मैं तो इस मान्यता का हूं कि ये जो मल्टीपल टैक्स सिस्टम है, मल्टीपल टैक्स सिस्टम माने सेंट्रल एक्साइज भी है, सेल्स टैक्स भी है, लोकल टैक्स भी है, टोल टैक्स भी है, रोड टैक्स भी है, ऑक्ट्रॉय का भी है, कैपिटल गेन का भी है, इसका भी है, उसका, ये सब टैक्स हटा दो, सिंगल पॉइंट एक टैक्स लगा दो अगर लेना है तो, नहीं तो वो भी हर मत लगाओ, वो भी हटा दो, 5 साल के लिए 0 टैक्स कर दो पूरी इकोनॉमी को, हिंदुस्तान को कहीं से कहीं पहुंचता है। और ये भी कैसे हो सकता है, आपके और मेरे संकल्प से हो सकता है, ये भी असंभव नहीं। जिस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसी तरह से नहीं भी हो सकता है, आपका संकल्प मेरा संकल्प मेरे, तो कोई चीज है नहीं भी हो सकती है, आप तय कर लो आप संकल्प ले। इसी तरह से एक तीसरा छोटा सा काम किया जाए इस देश में कि भारत देश में इस समय 34,000 ऐसे कानून हैं जो देश की जनता को हैरान और परेशान करने के लिए बनाए गए, 34,000। ये सब के सब कानून अगर बदल दिए जाए और हमारी आज की जरूरत के हिसाब से नए कानून हम बनाए तो हमारे देश में बहुत सारे लोगों को सच्ची आजादी मिल जाएगी। कानून कैसे हैं हैरान परेशान करने वाले, एक उदाहरण दूं। मैं अभी थोड़े दिन पहले उड़ीसा गया, बहरामपुर नाम के एक नगर, बहरामपुर में किसानों का एक सम्मेलन था, उस सम्मेलन में कुछ किसान आए, उन्होंने मुझे कहा राजीव भाई बहुत हमें दुख है। मैंने पूछा क्या दुख है, उन्होंने कहा हम चोखा देते हैं, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो उन्होंने कहा हमारी दुख की बात यह है कि जब चोखा को पानी सबसे ज्यादा लगता है तो हमारी किसी भी नहर में पानी नहीं आता, और जब हमारा चोखा पककर तैयार हो जाता है तभी नहर में पानी छोड़ दिया जाता है, ये हमारे दुख का कारण। माने जब हमको जरूरत है तो पानी नहीं मिलता और जब हमें जरूरत नहीं है तो पानी भयंकर होता है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कानून है। तो मैं मिला इरिगेशन डिपार्टमेंट में, गया एक इंजीनियर से मिला, मैंने उसको पूछा ये क्या नियम है आपका कि जब किसान को खेत को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है आप पानी छोड़ देते हैं और जब उसको पानी लगता नहीं तभी आप पानी छोड़ देते हो। तो उसने कहा राजीव भाई मैं क्या करूं, 1910 का बनाया हुआ एक कानून है जो आज भी चल रहा है। अब मैंने उस कानून की हिस्ट्री निकाली कि 1910 में यह कानून कभी लगा था, तब 1910 में हुआ यह था कि यह उड़ीसा बंगाल का हिस्सा था, आप जानते हो बंगाल का हिस्सा, बंगाल पूरा का पूरा, उसमें उड़ीसा आता था, आसाम आता था, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, ये पूरा का पूरा बंगाल होता था।
आप जानते हैं बंगाल में बगावत हुई, बार बार बगावत हुई, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ। एक बार तो अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया। जब 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का बंटवारा किया, उस बंगाल के बंटवारे के विरोध में, जिसको बंग बंग कहते थे, बंग बंग के विरोध में महर्षि अरविंदो घोष ने जबरदस्त आंदोलन शुरू किया। उधर महर्षि अरविंदो घोष ने आंदोलन शुरू किया बंगाल में, इधर उत्तर भारत में आंदोलन शुरू किया लाला लाजपत राय ने, और इधर आंदोलन शुरू किया लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र। अब ये तीनों नेताओं ने जबरदस्त अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। उस आंदोलन में लाखों लाखों किसान भी शामिल हुए। तो अंग्रेजों की बंगाल की जो सरकार हुआ करती थी, बंगाल का प्रांत होता था, गवर्नर होता था वहां पर, उस सरकार ने किसानों को प्रताड़ित करने के लिए ये कानून बनाया कि जब किसान को पानी की जरूरत हो तो पानी मिले नहीं, और जब जरूरत नहीं है तभी पानी रहे। ये कानून तब का बनाया हुआ, आज तक हिंदुस्तान में चल रहा है, इसको किसी ने बदलने का आज तक सोचा नहीं। और ऐसे कानून हिंदुस्तान में कितने, मैं आपसे बताऊं, जो आपके ऊपर अत्याचार करने के लिए बनाए। आपको जो सुनकर हैरानी लगेगी, आप हिंदू हैं, मैं हिंदू हूं, ये दोनों के लिए तय करने का काम भी अंग्रेजों के समय के बनाए गए कानून के आधार पर। आप भारत के नागरिक हैं या नहीं है, इसके लिए एक कानून है जिसका नाम है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। वो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ। आपके पास राशन कार्ड है, और आप राशन कार्ड होने के बाद ही वोटर हो सकते हैं, और वोटर होने के बाद ही बोनाफाइड सिटीजन माने जाते हैं। आप जानते हैं ये राशन कार्ड का कानून अंग्रेजों के जमाने का बना है, 1946 में बनाया था ये कानून। आप हिंदू हैं, मैं हिंदू हूं, ये 1935 में अंग्रेजों ने तय की गई डेफिनेशन के आधार पर, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन क्रिश्चियन है, ये अंग्रेजों की तय की गई डेफिनेशन है, हमारी नहीं है। हमारा सिटीजनशिप एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ, हम हिंदू हैं नहीं है वो अंग्रेजों का बनाया हुआ। हमारे देश का पुलिस का कानून, जिसको इंडियन पुलिस एक्ट कहते हैं, ये इतना अत्याचारी कानून है। मेरे परिवार में मेरे पिताजी के बड़े भाई बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर रहे, उनके साथ मेरा हमेशा इस बात पर झगड़ा रहा कि ये कानून कैसा है आपका, कि कोई भी पुलिस वाला आपको डंडे से मार सकता है, पीट सकता है, आप उसका डंडा भी नहीं पकड़ सकते। अगर आपने डंडा पकड़ लिया तो केस आपके खिलाफ बनेगा, पुलिस वाले के खिलाफ नहीं बनेगा। क्या केस बनेगा? आपने पुलिस वाले को उसकी ड्यूटी करने में बाधा पहुंचाई, इसका केस आपके ऊपर बनेगा। आपने उसका डंडा पकड़ लिया, माने वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, ड्यूटी क्या है, आपको पीट रहा था, वो उसकी ड्यूटी है, आपने उसको रोक लिया तो आप जेल में जाइए, पुलिस वाले को कुछ नहीं होने वाला। मतलब क्या है, इंडियन पुलिस एक्ट नाम का एक बहुत ही अत्याचारी कानून, जिसमें पुलिस को राइट टू ऑफेंस है लेकिन पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है, इससे ज्यादा अत्याचार दुनिया में क्या हो सकता है, आप बताओ। एक डेमोक्रेटिक सिविल सोसाइटी में, जिसमें हम मानते हैं कि हम प्रजातंत्र में रहते हैं, हम मानते हैं कि बहुत अच्छा समाज है हमारा, 55 बरस हमारी आजादी को हो गए, लेकिन एक पुलिस वाले का डंडा नहीं रोक सकते आप अपने ऊपर पड़ने से, इससे ज्यादा गुलामी क्या होती है दुनिया में। आपको तो इसका दर्द नहीं है, मुझे इसका दर्द है, क्योंकि मैं बहुत डंडे खा चुका हूं पुलिस। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके भी आगे मैं आपको बताता हूं। अगर आप कोई सत्याग्रह करते हुए जेल जाते हैं, तो जेल का जो कानून आपके ऊपर लागू होता है, जो जेल मैनुअल में से निकलता है, तो वो ये कहता है कि आप पूरे कपड़े उतारो, आपका बॉडी मार्क चेक किया जाएगा, माने शरीर में कहां कहां आपको क्या निशान है वो आपका चेक किया जाएगा। और बॉडी मार्क वो माना जाता है जो आपके पासपोर्ट पर लिखा हो। मेरे पासपोर्ट पर मेरा बॉडी मार्क है, मेरे कान के पीछे तिल का निशान है, ये मेरा बॉडी मार्क है, ये मेरे पासपोर्ट पर लिखा हुआ है। जब भी मैं कभी जेल गया था, तो वहां के जेल मैनुअल के अनुसार मुझे कहा गया कि आप कपड़े उतारो, आपका बॉडी मार्क चेक किया जाएगा। मैंने कहा मेरा बॉडी मार्क कान के पीछे है। उन्होंने कहा नहीं, नियम ऐसा है कि आपके पूरे कपड़े उतारे जाएंगे, भले बॉडी मार्क आपके कान के पीछे, कपड़े पूरे उतारने पड़ेंगे, तब आपका बॉडी मार्क चेक हो। तो मैंने पूछा ये कानून कब से है, तो 1860 से है, आज तक बदला नहीं कभी किसी सरकार ने। वैसे का वैसा ही जेल मैनुअल है, वैसे का वैसा ही पुलिस मैनुअल है। कभी मैं पुलिस वालों से भी बात करता हूं, वो भी हैरान परेशान है, वो कहते हैं राजीव भाई पुलिस मैनुअल के अनुसार हम जो है 24 घंटे के कर्मचारी हैं,
बाद में पूछेंगे। पुलिस ऑफिसर ऑन 24 आवर्स ड्यूटी पर रहता हमेशा, पगार मिलती है 8 घंटे की, ड्यूटी पर रहता 24 घंटे। वो खुद परेशान है क्योंकि पुलिस में ऊपर रहता, वो भी खुश नहीं है इस कानून से, हम भी खुश नहीं है, लेकिन बदलता नहीं है ये कानून, पता नहीं क्यों नहीं बदलता, शायद बदलने की मंशा नहीं है, क्योंकि नेताओं को क्या लगता है यही पुलिस हमारे काम आती है, जब वो सत्ता में होते हैं तो ये पुलिस डंडा चलाने के काम में उन्हीं के लिए काम करती है, तो बदलते नहीं। तो पुलिस का कानून वही, राशन कार्ड का कानून वही, सिटीजनशिप का कानून वही, ये जो मैरिज एक्ट है आपके देश में चलता है, आप विवाह का कानून जिसको कहते हैं हिंदू मैरिज एक्ट है या मुस्लिम मैरिज एक्ट है, ये तक अंग्रेजों का बनाया हुआ है, आजादी के बाद ऐसे 34,000 कानून है हमारे देश, और वो कानून जब तक चलेंगे तब तक कोई स्वराज आने वाला नहीं। आप शायद जानते नहीं, हिंदुस्तान में एक इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट है जिसके आधार पर कलेक्टर होता है, मजिस्ट्रेट होता है, सेक्रेटरीज होते हैं वगैरह। ये ICS का कानून 1860 का बना है, और विचित्र बात इसमें आया है जो दुनिया के कोई देश में नहीं है, हिंदुस्तान के सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, संवैधानिक उनको संरक्षण है, जो दुनिया के कोई देश में नहीं, बांग्लादेश में भी नहीं, जो हमसे बाद में आजाद हुआ या हमने जिसको आजाद किया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दुनिया के कोई भी सिविल सर्वेंट्स को नहीं मिलता, भारत को छोड़कर, और ये अंग्रेजों ने तय कर दिया था, वो आज तक चला रहा है। और जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका दुख क्या है, वो कहते हैं राजीव भाई हमारा ट्रांसफर होता रहता, हर 3 साल में उनका ट्रांसफर हो जाता, ट्रांसफर होने का 3 साल का कानून भी अंग्रेजों के समय था, अंग्रेज हर 3 साल में अधिकारी को ट्रांसफर करते थे, 3 साल से ज्यादा उसको रखते नहीं थे। कारण क्या है कि अगर कोई अधिकारी ज्यादा समय किसी गांव में रहेगा, लोकल लोगों से दोस्ती कर लेगा, वो दोस्ती के चक्कर में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हो सकती है, इसलिए वो कोई भी ऑफिसर को 3 साल ज्यादा टिकने नहीं देते, हर 3 साल में ट्रांसफर करो, वही 3 साल के ट्रांसफर की पॉलिसी आज भी है। अधिकारी आता है अपना बोरिया बिस्तर खोलता है और उसके बाद काम करना शुरू करता है, तब तक ट्रांसफर ऑर्डर आ जाता है, फिर दूसरे गांव चला जाता है, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीसरे गांव से चौथे गांव, भटकता रहता है, जिंदगी उसकी ट्रांसफर में और पोस्टिंग में निकल जाती है, कहीं स्टेबल नहीं हो पाता, उसको अपना बोलते कानून वैसा, नियम वैसा। तो मेरे मन में कई बार ऐसा आता है कि हमने अंग्रेजों को भगाया, ये अंग्रेजों के कानून क्यों नहीं भगा दिया, और इन अंग्रेजों के कानूनों को अगर हम भगा दें, या कई बार मेरे दिल में आता है कि ये जितने भी मैनुअल्स हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशन की बुक्स हैं, सबको एक दिन आग लगा दूं, सब कचरा है, कुछ काम का नहीं है, और इन सबको जला दो, आग लगा दो, इनकी कोई जरूरत नहीं है, आज की जरूरत के हिसाब से नए नियम बनाओ, नए कानून बनाओ, जो आज की जरूरत है। आप देखो इंडियन पिनल कोड है लगभग 150 बरस पुराना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 110 बरस पुराना, सिविल प्रोसीजर कोड है 9 बरस पुराना, और 9 बरस पहले क्या परिस्थिति थी, आज क्या परिस्थिति है, जमीन आसमान का फर्क आ गया, लेकिन सिविल प्रोसीजर कोड वही है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वही है, इंडियन पिनल कोड वही है। और तो और सुनो, हिंदुस्तान में इंडियन एडवोकेट्स एक्ट नाम का एक कानून है जो अंग्रेजों के समय से आज तक बदला नहीं गया, क्योंकि इंग्लैंड में सब वकील काला कोट पहनते, इसलिए हिंदुस्तान में भी सब वकील काला कोट पहनते। पूछो इसका क्या मतलब है, इंग्लैंड में काला कोट इसलिए पहनते हैं कि ठंडी बहुत है, और ज्यादा ठंडी वाले देश में काली चीजें पहनना हीट को एब्जॉर्ब करता है एक तो, और अंदर की हीट को बाहर नहीं निकलने देता, तो अंदर की गर्मी बाहर नहीं आती, बाहर से ठंड अंदर नहीं घुसती, इसलिए दरा बंद करके काला कोट पहनते हैं, इंग्लैंड में भयंकर ठंड पड़ती है। अब यहाँ भयंकर गर्मी वाले देश में जहाँ 46 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है, वहां वकील काला चोगा रखता है, घूमते रहते हैं, ये कानून आज तक नहीं बदल पाओ, आज तक 34,000 अंग्रेजों ने नियम कायदे कानून बनाए, सबको आग लगा दो, सबको जला दो, कोई रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कचरा वैसे भी है, गुलामी के कानून है, वो गुलामी हमें हटानी ही पड़ेगी, आज की जरूरत आज के हिसाब से नए कानून बनाने पड़ेंगे जो भारतीय परंपरा का संरक्षण करें, भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाए, भारतीयता को आगे बढ़ाए। आप देखो कैसा विचित्र देश है, एक उदाहरण देता, आप अगर यहाँ गाय खड़ी है कहीं उसको डंडे से पीटो तो आपको जेल हो जाएगी, आप जरा ध्यान से सुनना, कानून की बात बता, यहाँ गाय खड़ी है डंडे से पीटो आपको जेल हो जाएगी,
और उसी गाय को कतल खाने में ले जाके कतल कर दो, आपको मीट एक्सपोर्ट करने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। गाय को डंडे से पीटोगे जेल हो जाएगी, उसको कतल कर दो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कानून है ऐसा। गाय को पीटना जुर्म है, लेकिन गाय का कतल करना जुर्म नहीं है हमारे देश में, बड़ा विचित्र देश है। डंडे से पीटो तो जुर्म है, कतल करके उसका मांस बेचो जुर्म ही नहीं है इस देश में। और इसलिए 3600 कतल खाने चल रहे हैं पूरे देश में, 7000 नए कतल खाने खुलने जा रहे हैं इसके, क्योंकि गाय का कतल करना जुर्म नहीं है, गाय को डंडे से पीटना जुर्म है। भैंस का कतल करना जुर्म नहीं है, भैंस को डंडे से पीटना जुर्म है। गधेड़े को कतल करना जुर्म नहीं है, गधेड़े को पीटोगे तो वो जुर्म है। कैसा कैसा विचित्र जुर्म है इस देश में। कोई गधा है और उसका धोबी उसका मालिक है, और वो उसके ऊपर कपड़ा लाद कर ले जा रहा है, गठरी लेके जा रहा है, अगर चाहे तो उसका चालान हो सकता है, उसको जेल हो सकती है, क्योंकि गधे के ऊपर उसने बोझा डाल रखा है, ये नियम। और उस गधे को कत्ल कर दो, कोई कानून नहीं, बड़ा विचित्र देश। कोई बच्चे ने जन्म नहीं लिया, जन्म लेने के पहले मार दो तो सिंपल एबॉर्शन है वो, और जन्म लेने के बाद मारो तो हत्या है और उसमें फांसी की सजा है, बड़ा विचित्र देश। माने गर्भ में रहते हुए बच्चे को मार दो तो एबॉर्शन है, गर्भ के बाहर निकल आया और उसको आपने मारा तो आपको फांसी हो जाएगी, 302 का चार्ज लगेगा। गर्भ में रहता हुआ भी वो जीवित इंसान है तब फांसी नहीं होगी आपको, लेकिन बाहर निकल आया और आपने मार दिया तो फांसी हो जाएगी। कैसा विचित्र देश है, ऐसे कानून है। और ये कानून की सबसे बड़ी खासियत क्या है, आप कोई कोर्ट में केस लगा दो, 20 वर्ष के पहले अगर आप जजमेंट सुन लो तो जो कहो मैं हार दूं, 20 वर्ष तक अपील पे अपील अपील पे अपील अपील पे अपील चलती रहेगी, केस लगाने वाला भी मर गया, जीतने वाला भी मर गया, हारने वाला भी मर गया, और केस अभी चालू है। ऐसा देश एक जमाना था जब हिंदुस्तान में राजा महाराजा हुआ करते थे, जिनको आज हम गाली देते हैं, लेकिन उन राजा महाराजाओं के जमाने के कानून कैसे हुआ करते थे। एक राजा था, उसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उसके राज्य में दो माताओं में झगड़ा हो गया, एक बच्चा था, दो माताएं थी, एक माँ कहती थी मेरा बेटा, दूसरी माँ कहती थी मेरा बेटा। अब दोनों लड़ते हुए राजा के पास पहुंचे, राजा ने कहा मामला क्या है, तो दो माताएं बच्चा एक, अब किसका है बच्चा ये फैसला करना है। तो चंद्रगुप्त ने कहा अच्छा तलवार लेके आओ और बच्चे को आधा ना काटो। तो जैसे ही तलवार आई और बच्चे को काटने के लिए तलवार उठाई गई तो जो असली माँ थी वो चिल्लाने लगी, कहने लगी नहीं नहीं इसको काटो मत, भले तो दूसरी माँ को दे दो, जिंदा तो रहेगा। चंद्रगुप्त तो समझ गया ये ही असली माँ, क्योंकि असली माँ अपनी आंखों के सामने बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती, तो उसने नकली माँ से बच्चा छीना, असली माँ को दे दिया, नकली माँ को जेल में डाल दिया। पूरे केस का फैसला 2 मिनट में हो गया। ये था भारत का न्याय या भारतीयता की न्याय पद्धति। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसी केस को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट चलेगा, ठीक यही केस, दो माताएं हैं एक बच्चा है, आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर दो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि 20 साल के पहले जजमेंट नहीं आए। और हो सकता है दोनों माताएं मर जाए, बच्चा भी बड़ा होकर मर जाए, लेकिन केस चालू रहे। ये है अंग्रेजों की न्याय। न्याय इसमें होता ही नहीं है। आप जानते हैं क्या होता है, कोई भी न्यायाधीश ये नहीं कहता कि मैं न्याय देता हूं, हर न्यायाधीश ये कहता है कि मैं कानून के आधार पर फैसला करता हूं, न्याय नहीं देता। न्याय में और फैसले में जमीन आसमान का फर्क है। जरूरी नहीं है कि कानून के आधार पर दिया गया फैसला न्यायप्रिय हो, अन्यायप्रिय भी हो सकता। अच्छा, न्यायाधीश कानून के आधार पर फैसला देता है, न्याय नहीं देता, फिर हम उसको न्यायाधीश क्यों कहते हैं। और जहां कानून के आधार पर फैसला होता है न्याय नहीं होता, उसको न्यायालय क्यों कहते हैं। मैं तो कहता हूं दोनों का नाम बदलना चाहिए, न्यायाधीश को कहना चाहिए कायदाधीश और न्यायालय को कहना चाहिए कायदालय, क्योंकि वहां तो कायदे के आधार पर फैसला हो रहा है, न्याय कहां हो रहा है। अगर न्याय होता तो भारत में तो गाय माता है, उसको तो कत्ल करना भी जुर्म है, डंडे से मारना भी जुर्म है, न्याय तो ये कहता है हमारा। लेकिन कानून ये कहता है कि डंडे से मारना जुर्म है, कत्ल करना जुर्म नहीं है, ये कानून है। तो कानून क्या है, न्याय क्या है, आप समझ।
तो भारत में करना ये होगा कि ये कानून आधारित फैसला करने की जो पद्धति है इसको न्याय आधारित फैसला करने की पद्धति बनाना पड़ेगा। और ये कब बनेगी? जब अंग्रेजों के बनाए गए कानून हटाए जाएं, 34,000 कानून रद्द किए जाएं और आज की जरूरत के हिसाब से नए नियम बनाए जाएं जो भारतीय मान्यता, भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति से ध्यान रखकर लिए गए हो, ना कि इसके विरुद्ध। तब हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तब हमें चैन मिलेगा। और सुख शांति चैन मिला, आपका जीवन आराम से कटेगा, मेरा भी कटेगा। यही हमें करना है। लोग कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं। ठीक है, आप दुखी हैं, मैं भी दुखी हूं। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण ये व्यवस्था है। और हम दुख का कारण ढूंढ रहे हैं हमारे अंदर। हम नालायक हैं, हम निकम्मे हैं, हम नकारा हैं, हम अच्छे हो जाए तो सारा दुख दूर हो जाए, कभी नहीं होने वाला। व्यवस्था से जनित दुख है, आपके अंदर से थोड़ी आया। बहुत लोग कहते हैं हमें दुख दूर करना है, हम ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, 20 दिन साधना में जाएंगे, कितना भी कर लो दुख दूर होगा ही नहीं, क्योंकि जो व्यवस्था में से निकला हुआ दुख है वो आपके ध्यान प्राणायाम साधना से थोड़ी दूर होने वाला है। आप हिमालय में चले जाओ तो भी दुखी रहोगे, क्योंकि पुलिस वाले का डंडा वहां भी आपके ऊपर भटक सकता है, वहां भी पुलिस वाला नहीं छोड़ेगा, आप क्या कर लोगे। दुख अगर दूर करना है, व्यवस्था जनित है, तो व्यवस्था को बदलो। व्यवस्था से भागने में दुख दूर नहीं होगा, इस व्यवस्था को बदल दो जिसमें से ये दुख पैदा हो। और मैं यही मानता हूं, और मैं मानता हूं इससे बड़ा अध्यात्म दुनिया में कोई नहीं है। जो व्यवस्था जनित दुखों को दूर कर ले वो सबसे बड़ा आध्यात्मिक आदमी है, बाकी सब पाखंडी है। कोई अगर मुझे ये कहता है कि मैं 20 दिवस योगासन करता हूं, कोई कहता है 4 महीने का ध्यान लगा, तो सब पाखंड करते हैं, हो ही नहीं सकता है। आपकी गली के नीचे कूड़ा कचरा पड़ा है, सड़ांत पड़ी हुई है और आप घर में बैठ के साधना कर लेंगे, ये कैसे होने वाला। पूरे समाज में दुर्गंधी दुर्गंध फैली हुई है, कहीं गरीबी है, कहीं बेकारी है, कहीं भुखमरा है, कहीं भ्रष्टाचार है, और कोई ये धपोर शंकी कहे कि मैं तो ध्यान लगाता हूं, मैं तो प्राणायाम करता हूं, वो पाखंड के अलावा कुछ नहीं करता, ना ध्यान लगा सकता है ना प्राणायाम कर सकता। ध्यान और प्राणायाम तब होता है जब बाहर भी सुख है, अंदर भी सुख है, दोनों परिस्थितियां एकाकार होती है, तब आदमी ध्यान में जाता है, अन्यथा ध्यान में नहीं जाता। आसन कर लेना ध्यान कर लेना नहीं होता, आसन कर सकते हैं आप, त्राटक कर लीजिए, लेकिन त्राटक ध्यान नहीं हुआ करता। ध्यान करने के लिए बाहर अंदर सम परिस्थिति चाहिए, बाहर सुख है अंदर भी सुख है, बाहर आनंद है अंदर भी आनंद है, तब आप ध्यान में जा सकते हैं, अन्यथा ध्यान में नहीं जा सकते। तो मैं तो ये सब बाबाओं को बोलता रहता हूं, बहुत सारे बाबा हैं जो घंटा ताबीज बांधते हैं हमारे देश में, मेरे पास आओ मैं तुम्हें मोक्ष ले जाऊंगा, आ जाओ मुझे गुरु बना दो, मेरा यह घंटा बनवा लो और गुरु दक्षिणा देते जाओ, हर गुरु पूर्णिमा को आते जाओ, और वो कहेंगे देखो माया में नहीं लगना, माया बहुत खराब है, तुम मुझे दे दो, मैं रखूंगा तुम्हारी माया, तो यहाँ ले आओ, यहाँ दे दो, गुरु दक्षिणा में देते जाओ, सारी माया में इकट्ठा बैठता हूँ इस माया के। दूसरा स्टेप लक्ष्य संगठन, तीसरा स्टेप रचनात्मक काम, और चौथा स्टेप संघर्ष, उसके बाद पांचवें स्तर पर जाकर व्यवस्था बदलती है। तो पहला स्टेप जन जागृति करिए, दूसरा स्टेप संगठन बनाइए, तीसरा स्टेप उसमें से निर्माण का काम करिए, और चौथा और आखिरी स्टेप संघर्ष में लग जाइए, पूरी व्यवस्था बदलिए। और ये व्यवस्था अगर अंग्रेजों के जमाने की हम बदल पाए तो मैं मानता हूं कि सच्ची आजादी आएगी, और उसी सच्ची आजादी के लिए आप मैं हम सब मिलकर प्रयास करें, यही हमारे लिए अभीष्ट है। कई बार मैं